जय नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विसित द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शास्त्र पर न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि कार्तिक मास के हैंगओवर सत्संग चल रहे हैं। ये ऐसा हैंगओवर है जो हमें ऊर्जा देता जा रहा है। पहले तो ऊर्जा व्रत में हम सबको ऊर्जा मिली और मैं ये जानता हूँ, पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिक सुस्ती खत्म हुई है, जोश बढ़ा है और उस जोश और उमंग को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब हम डिवोटीज के वो संकल्प जो उन्होंने लिए थे वो किस तरह से पूरे कर पाए और उमंग के साथ, आई थिंक उत्साह के साथ भगवत कृपा बरसी है सारे गोलक परिवार पे और मैक्सिमम डिगोलोकियंस को जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि भाई जो मैंने संकल्प लिया था कि एक उत्साह बढ़े सारे की सारी टीम में, वो बड़ा है और लोगों ने संकल्प जो रखे थे उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। कभी भी इन सारे टॉपिक्स को डिवोशन से अलग नहीं मानना। ये नहीं सोचना कि जब भगवत गीता पढ़ रहे हो तो डिवोशन हो रही है और जब भक्तों की बातें सुन रहे हो तो डिवोशन नहीं हो रही। ये बहुत ही डिफरेंट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिवोशन का, बिकॉज जब भक्तों के अंदर उमंग बढ़ती है, वो अपने अनुभव सुनाते हैं ना, तो वो भगवान की कृपा के साक्षात दर्शन उसमें देखते हैं और उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। शास्त्रों की बातें प्रैक्टिकली रियलाइज्ड होती हैं भक्तों के अनुभव में, है ना। ये आज और कल का सत्संग स्पेशल इस पे डेडिकेटेड रहेगा इस वीक, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर नॉर्मल सत्संग नेक्स्ट वीक से। जिन डिवोटीज ने वॉलंटियर किया है उनको जरूर हम मौका देंगे। सबसे पहले हम मौका देते हैं आई थिंक सारिका कपूर जी को। सारिका जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरि बोल। सारिका कपूर जी पठानकोट से। चलिए, मोनिका पुरी जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं चंबा से ही मोनिका पुरी, और भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी गुरुजनों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भैया, अब मैं आपके साथ कार्तिक मास के जो मैंने संकल्प लिए थे उनके बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे सच बोलूं भैया जी, तो आपने हमें इस कार्तिक मास के बारे में इतना अच्छा बहुत कुछ बताया और पहली बार ही हमें ये सब कुछ जानने को मिला। वैसे तो भैया हमें पता था कि पंच भीखम होते हैं और दिए भी जलाए जाते हैं, तुलसी माता की शादी भी होती है, लेकिन हमें इतना ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। और आपने जिसमें बताया कि इस बार जो कार्तिक मास के बारे में बताया कि किस तरह दामोदर लीला होती है और किस तरह से यशोदा मैया कान्हा जी को बांधते हैं और कितना वो मनोरम दृश्य था, और आपने इतने प्यार से हमें वो स्टोरी सुनाई, और उस स्टोरी को सुनकर और उस जो आपने वीडियो डाले था उसको भी देखकर बहुत ही आनंद आया। और साथ ही साथ हमारी वो जैसे आपने फास्टिंग रखने के लिए बोला और कहा कि 1000 गुना फल भी मिलता है, तो सच में जैसे मन में कोई लालच ही हो गया कि हम भी आपके बताई हुई बातों पर चले और कार्तिक मास में जितना हो सके हम डिवोशन करें। और जैसे जैसे भैया जी आप बताते गए वैसे वैसे हम भी करते गए, है ना। तो हमने तो आज दिन तक पहले जैसे हम फास्टिंग नहीं करते थे तो एकादशी के व्रत भी रखने शुरू किए, और इस बार आपने जैसे हमें बताया कि 5 डेज में फास्टिंग करनी है तो वो भी हमने की, फलाहार व्रत। सच बोलूं तो मेरे लिए तो सब कुछ ये डिवाइन ही हो रहा था भैया, क्योंकि हमने कभी इतने ज्यादा ना तो व्रत रखे थे ना ही इतनी डिवोशन की थी, ये सब प्रभु हरि की कृपा से ही हो रहा था। और जैसे जैसे आप हमें मोटिवेट कर रहे थे आपकी मोटिवेशन से हो रहा था, बस देख रहे थे कि जिस तरह से बाकी लोग भी कर रहे हैं तो हम भी करें। और सच बोलूं तो ना तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती थी, और सच एक बात ये भी है कि हमारे मेंटर गीता जी, उनका भी बहुत योगदान है, उन्होंने भी हमें फोन करके उठाना और बोलना कि चलो मंदिर चलते हैं। तो हम 5 दिन सुबह शाम मंदिर गए, और मंदिरों में
भैया जी क्या बोलूं, इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे ना। और कभी मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, कभी भी हम मंदिर टेंपल गए नहीं जैसे इन दिनों में, तो इस बार हम गए। और मेरी मदर इन लॉ भी, मेरी सिस्टर इन लॉ भी, गीता जी, रितेश जी, और वहां पर मंदिर में ना जब हमें वो गोलोक एक्सप्रेस के बाकी सारे डिवोटी मिलते और बाकी दूसरे डिवोटी मिलते, सुबह सुबह क्या होता वहां 5 साढ़े 5 बजे ना, वो बहुत ही मंगलाचार होता और बहुत प्यारे भजनों के साथ वो भगवान जी को उठा रहे होते थे। तो ऐसा तो मैंने पहली बार ही देखा, जैसे मुझे लग रहा था कि तुलसी माता जी की शादी हो रही है और जैसे सुबह सुबह विदाई होती है, तो वैसा ही मनोरम दृश्य हमें देखने को मिल रहा था। वहां पे हमें रेणु जी मिले, नीलू जी मिले और रजनी जी, सारे मतलब प्रीति जी मिले, है ना। इन सबके साथ मिलकर ऐसे लगा जैसे हमें इनके साथ मिलने की इच्छा होती थी, लेकिन वही कि हम फिजिकल सत्संग में कहीं गए नहीं तो मिले भी नहीं, लेकिन जब मिले तो सच में एक फीलिंग ऐसी आई जैसे हम सब एक परिवार हो। और अब जब भी कहीं नजर आते हैं, मिलते हैं, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करना भी। और बातें क्या होती हैं क्या बताऊं, पहली बार ही हमने तुलसी माता की 108 फेरियां ली, गीता जी हमें बताते गए, हम करते गए, और साथ साथ में आपका मोटिवेशन भी चलता रहा। रोज सत्संग में सुनते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो दीप दान भी करते रहे। और इवन की 365 ज्योतें एक दिन जलाने का, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी को हुआ तो हमने वो भी किया। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल की हमने 108 फेरियां ली, जो मैं कभी कर भी नहीं सकती थी। सच बोलूं इतनी ऊर्जा और इतना मतलब प्रभु जी की कृपा थी कि मैं साथ साथ में फास्टिंग भी रख रही थी, और जैसे कि खाना बना रही थी ना, तो जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी बना, मेरे को भूख लगी, लेकिन मैं बोल रही थी कि हम तो खाना खाते ही नहीं है, जैसे हमें भूख लगती ही नहीं थी, बस प्रभु जी की ही असीम कृपा बरसती रही। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि हमें गौ की पूजा करनी चाहिए, तो उस दिन भी मेरे साथ एक डिवाइन ही समझिए हुआ कि आपने सुबह सुबह सत्संग में बोला था कि कम से कम एक दिन तो आप गौ माता की पूजा करें, तो मन में यही था कि मैं एक दिन तो कम से कम गौ माता की पूजा करूं और उनको दर्शन करूं। तो उसी दिन यहाँ पर सीताबाड़ी मंदिर से प्रभात फेरी गई, और नितिन जी थे और बाकी भी डिवोटी सारे थे, तो हमने प्रभात फेरी में भी भाग लिया। फिर हम गौशाला गए, वहां पर हरि नाम संकीर्तन हुआ, और वहां पर एक डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए और हो गया कि नितिन जी ने मुझे भजन गाने का मौका दिया, और वो भजन मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे प्रभु जी ने ही मेरी हाजिरी को स्वीकार किया हो। सच में उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल आए, यहाँ पर भी हरि नाम संकीर्तन हुआ और उसके बाद दीप दान हुआ। तो रोज रोज हमने भगवान जी के मंदिर में जाकर कथाएं सुनी। और भैया जी एक बात बोलूं, जब यहाँ के पंडित जी जो कथा सुना रहे थे ना, तो वो सब कुछ आपके जैसा ही बता रहे थे, जैसे आप हमें बताते हो ना कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं वहां बैठी बैठी जब भी वो बातें कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, तो बिल्कुल ध्यान आपकी तरफ जा रहा था कि निखिल भैया भी हमें ऐसे ही बताते हैं। तो सच में बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस ही है मेरे लिए तो ये सब कुछ। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस साथ में मैं और बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला कि मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, और हर बार दीपावली की पूजा होती है हमारे घर में, और हम स्पेशली पंडित जी को बुलाकर करते हैं, लेकिन क्या होता था कि मेरे हस्बैंड ना अकेले पूजा करते थे, हम बाद में पूजा करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, मन में वही भाव थे, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इकट्ठे पूजा की। मैंने जैसे जैसे दिवाली आती गई, मन में भाव उमड़ते गए कि माता रानी क्या इस बार भी मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्रभु जी का नाम जाप चलता रहा, और जैसे मैंने संकल्प लिया था कि मैं 32 मालाएं करूंगी और 16 माला मैं गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करूंगी, तो वो तो मैंने की। साथ में कभी 70 माला करती, कभी 60, और बाकी सारे दिन मैंने 64 माला की। और भीष्म पंचक में भैया जी 108 मालाएं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि
आज दिन तक कभी भी मैं 108 मालाएं कर ही नहीं पाई थी, और वो सारे दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थे। तो फिर क्या हुआ कि पंडित जी ने मुझे कहा कि आप थोड़ा आगे होकर बैठिए, उन्होंने मेरे को तिलक लगाया और इनको भी। और उस दिन क्या हुआ कि माता रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से लक्ष्मी पूजा का मौका मुझे मिला, और हम दोनों ने मिलकर पूजा की। और उसी टाइम में प्रभु जी के आगे हाथ जोड़कर उनके आगे प्रेयर करती कि प्रभु जी आपकी कृपा से ही इस बार मैं लक्ष्मी पूजा कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल मोनिका जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। देखिए कितना जोश भरा था आपके रिफ्लेक्शंस, क्योंकि आपने जो कमिट किया था उससे बहुत ज्यादा आप अचीव कर पाए, और मिशन पंचम पे 108 माला, और सत्संग भी हो गया आपका चंबा में डिवोटीज के साथ, गौशाला में भी आपको भजन गाने का भी मौका मिल गया, अब इकट्ठे आप एज अ फैमिली पूजा भी कर पाए। 18 सालों के बाद ये पहली बार हुआ आपके साथ। तो जब हम भगवान के रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं, फिर भगवान ऐसे ऐसे चमत्कार हमें दिखाते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु की तरफ और बढ़ता है। तो बहुत आनंद आया, और आपकी बहुत कम समय में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ऐसी आप चलते रहो, आपसे भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हो मोनिका जी को? हरी बोल निखिल जी, बहुत आनंद आया इनको सुन के। और मैं अभी रिसेंटली, जैसा वो बता रहे थे ना, रिसेंटली हम लोग मिले हैं यहाँ पे, और उस दिन प्रभात फेरी में भी और गौशाला में भी और लक्ष्मीनारायण मंदिर में भी। तो अच्छा ये लगा। देखिए मैं उनके हस्बैंड को भी जानता हूँ, उनके ब्रदर इन लॉ को भी अच्छे से जानता था, बट मैं फैमिली से पहली बार मिला, माता जी से भी उस दिन मिलने का मौका मिला। और अच्छा ये लग रहा है कि देखो पूरी फैमिली अब डिवोटेड होकर, संकल्पबद्ध होकर अपने डिवोशनल एक्टिविटीज कर रही है, और बहुत सारे लोगों को आगे ये भी इंस्पायर कर रहे हैं। इनके जो बाहर रिलेटिव्स हैं उनको भी ये इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई इसी में, इसी रास्ते पर चल के ही असल में आनंद आता है, और पूरी फैमिली एकजुट हुई है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान श्री हरि की कृपा इसी तरह से आपके ऊपर बनी रहे, परिवार पे बनी रहे। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत आनंद आया। चलिए हम जम्मू चलते हैं, हम स्वर्ण जी के पास। हरी स्वर्ण जी, बोल प्रिया आप जी। मेरी मदर इन लॉ भी 2 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे। हरी हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल। हरी हरी बोल माता जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल जी। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं चंबा से विजयपुरी आप सभी के साथ कार्तिक मास के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे जैसे निखिल जी आप हमें बताते गए, वैसे वैसे हम भी करते गए। वैसे तो पहले भी हम सब कुछ करते थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं कर पाते थे। जैसे आपने ठंडे पानी से नहाने का महत्व बताया, तो इस बार मैं भी ठंडे पानी से नहाई और पूरे कार्तिक मास में चाय भी नहीं पी। 3:30 बजे उठकर सारा काम करके पूजा पाठ करने के बाद आरती करती, और जब आपका सत्संग शुरू होता तो मैं भी आपके साथ माला जपने शुरू कर देती थी। पहली 5 मालाएं उन डिवोटीज के समर्पित करती जो प्रॉब्लम में होते थे, उसके बाद 32 मालाएं कंप्लीट करती। वैसे तो मैंने 32 मालाओं का ही संकल्प लिया हुआ था, जैसे अच्छे से पूरा किया, और भगवान की कृपा से पूरा दिन टेलीकॉन्टर पर मालाएं करती रहती। कभी 64 मालाएं हो जाती और कभी 108 मालाएं। और जब आपने भी भीष्म पंच के व्रत करने को कहा, तो मैंने भी 5 दिन तक फलाहारी व्रत किया। मैं और मेरी दोनों बहुएं व पोती वंशिका भी रोज सुबह शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते रहे, वहां भजन कीर्तन किया, सब मंदिरों में दीप दान किया, और तुलसी माता व लक्ष्मी नारायण जी के 108 परिक्रमा में भी। इस बार हमें मंदिर में जाकर पूजा करने का बहुत आनंद आया। सभी मिलकर प्रभात फेरी में गए, गौशाला गए, गाय को चारा भी खिलाया और हरि नाम संकीर्तन भी किया, जिससे हमें बहुत अच्छा आनंद आया। जब हम ऑनलाइन सत्संग में सभी को सुनते थे तो सोचते थे कि सबसे मिले, और जब इस बार हरि नाम संकीर्तन में हम सभी गोलक परिवार से मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। सच में निखिल जी आपने बहुत ही प्यारा गोलिक परिवार बनाया है, जिसमें आप हमें समय समय पर हर त्योहार के बारे में बताते रहते हैं, जिससे हम भी अच्छे से प्रभु की सेवा कर पाते हैं। ये सब आपकी मेन तौर श्री हरि जी की कृपा से ही हो रहा है। गोलिक परिवार हमारा हिस्सा है, इसलिए मैं आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और गोलिक एक्सप्रेस से जुड़ना ही मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है। हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल विजय जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, और कितना अच्छा लग रहा है आप मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सब लोग मिलजुल के डिवोशन कर रहे हैं। यही तो हमारा सपना है, और ऐसा लग रहा है कि आपके घर में तो ये सपना पूरा हो गया है हमारा। ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं विजय जी को?
मैं तो उनको शत शत नमन करना चाहूंगा। धन्य है वो जिनके घर में इस तरह से परिवार पूरा का पूरा, बच्चे भी बड़े भी, सब डिवोशन में आगे चल रहे हैं। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, भगवान श्री हरि की कृपा इसी तरह से बनी रहे। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। चलिए अब हम एक बड़े स्पेशल डिवोटी के पास चलते हैं। जम्मू से बहुत प्यारी डिवोटी है हमारे, स्वर्ण जी। स्वर्ण जी, आपने तो कार्तिक मास में बहुत आनंद लूटा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके। आई थिंक कंप्लीटली वेटिंग ईगरली आपके विचार सुनने के लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैंने तो ऑन की, नहीं स्वर्ण जी, हरी आप ना बोल। तो अपनी स्क्रीन को टच करो एक बार, वो वीडियो पे ना बटन दबाओगे एक बार तब ऑन होगी। वो अभी ऑन नहीं है, वो स्क्रीन को टच कीजिए, वहां देखिए सबसे तो नीचे ना एक रेड बटन आता है उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ गई आ आप गई मेरे आप ख्याल मेरे में, आ ख्याल गई में आ है गई। ना। हाँ, हरी हरी खिल जी, हरी बोल जी, हरी को तो कार्तिक मास का तो पता ही है, तो वो सब आपकी वजह से, मेरे गाइड्स की, स्पिरिचुअल गाइड की वजह से, श्री हरी से उनकी कृपा हुई मुझ पर, तो इस माह स्वान जी, आज कार्तिक ना मास आपकी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। आप एक बार जी। क्विकली कॉल को क्विट करके दोबारा ज्वाइन करो। आपकी नॉर्मली तो वॉइस बहुत अच्छी आती है आपकी, आज जहाँ बैठे हो आप, एक बार कॉल को ड्रॉप कीजिए फिर रीज्वाइन कीजिए। 30 सेकंड लगेंगे आपको, या बोलती हूँ क्योंकि मेरे बड़े आपने बोल्ड लोकेशन चेंज हुआ, करी। नहीं ठीक आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। है आवाज जी, मेरे बोल्ड है तो शायद उसकी वजह से खराब है नहीं इंटरनेट। नहीं नहीं स्वान जी, कॉल नहीं है, वॉइस ब्रेक, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है। आप 1 मिनट बस कॉल को ड्रॉप करो 1 मिनट, और फिर से उस लिंक से रीज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। ड्राइवर आप किसी लीजिए, मैं हाँ दूसरी ठीक बोल है, ठीक मैं एक और डिवोटी को सुन लेता हूँ, तब तक आप ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, हरी बोल जी, हरी बोल। चलिए सारिका जी, आपने रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपका पहले भी नाम लिया था, आप हैं कॉल में, आपने अर्ली की रिक्वेस्ट की हुई, आप करना चाहते हो बात? जी। हाँ जी, कनेक्ट हरी होने हरी बोल भैया। सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ ना, थोड़ा सा दिक्कत था नेट का, तो अभी जैसे पूरा आया तो मैंने किया। हाँ जी, हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं सारिका हूँ पठानकोट से, तो थैंक यू भैया मुझे पहले टर्न देने के लिए। तो कार्तिक मास में कहूँ तो जैसे बचपन से तो करते आए हैं हम लोग पूजा पाठ कार्तिक मास में, मतलब लोगों से सुनते थे कि सुबह नहाते हैं, तो वो तो नहीं करती थी मैं, बट जैसे तुलसी पूजा चलती थी तो मायके में थी, तो हमारे आंगन में काफी बड़ा पापा ने सीमेंट से तुलसी का बना के दिया हुआ था, तुलसी बना के दिए थी, तो उसपे हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तो हम लोग पेंट करके खुद ही कलर वगैरह करते थे, रंगोली करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। तो मुझे वो ना 5 दिन बड़े अच्छे लगते थे, बड़ा मतलब खुश होती थी मैं इस चीज से। बट इस चीज की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या, वो मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी, मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ इन लॉस में आए तो यहाँ ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं तुलसी पूजा रेगुलर करती आई हूँ। बट इस बार जब मैंने आपसे सुना कि तुलसी पूजा हमें ऐसे करना है, और भीष्म पंजक का पंजक के बारे में, और जो कार्तिक मास के बारे में बताया सुबह उठ के नहाना, तो पहले मैंने संकल्प लिया था स्टार्टिंग में कि मैं 32 राउंड्स डेली करूंगी। बट स्टार्टिंग के 4-5 डेज ऐसे रहे कि मेरे मतलब हेडेक इतनी ज्यादा रही कि मैं नहीं कर पाई, कुछ थोड़े से कर रही थी, बाकी नहीं कर पा रही थी। बट फिर उसके बाद मैंने अपने आप को फिर से रेगुलर किया, फिर से मैं 32 राउंड्स मेरे डेली होने लगे, और सुबह 4 बजे उठ के नहाना ठंडे पानी से, तो वो भी करती रही हूँ। बाद में जब ज्यादा ठंड होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना स्टार्ट किया, बट वो भी करती थी। और सुबह उठ के दीपदान भी करती रही हूँ मैं 2 टाइम, मैं और मेरी बेटियाँ, शाम के टाइम पे, और सुबह मैं अकेली ही करती थी। तो मतलब एक ना पॉजिटिविटी सी रही अंदर हमेशा, मतलब जैसे होता था कि मेरे हेडेक के हैं कि हफ्ते में 5 दिन तो मेरे रहती रहती है। अब जैसे कार्तिक मास के स्टार्टिंग में मेरे 5 डेज रेगुलर रही थी और 2 दिन आराम था फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं मतलब डर भी रही थी अंदर से कि हेडेक स्टार्ट हो गई तो मेरा कहीं छूट ना जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मेरी उसकी फ्रिक्वेंसी थी ना अपने आप कम हो गई। अब 8 दिन बाद पड़ती है एक बार, तो भगवान की कृपा से तो वो भी कम होने लगी। तो बाकी 32 करती रही मैं, बट लास्ट के जो 5 डेज थे, फिर जब आपने बताया कि भीष्म पंजक है इसमें ज्यादा हमें करना चाहिए, फिर मैंने आपसे 64 राउंड्स का मैंने संकल्प लिया था,
तो वो भी मेरा पूरा हुआ। और कार्तिक मास में बाकी इतना कुछ खाने पीने का कुछ है नहीं मेरा, नमकीन या मीठे का कुछ भी, चाय मैं लेती नहीं हूँ, तो उसमें मुझे कुछ छोड़ना है। बट जो मेरी फेवरेट वेजेस थी मैंने वो छोड़ी, तो वो मैंने 1 month नहीं लिया। बाहर का आउट ईटिंग जैसे हस्बैंड के साथ कभी जाते थे तो, और तो कुछ नहीं, बट गोलगप्पे खाने की शौकीन थी वो खाती, बट वो भी नहीं खाए मैंने 1 month पूरा, अभी तक नहीं खाए हैं। और हमेशा मतलब अपने पास ना मैंने एक पॉजिटिव सी वाइब सी महसूस की मैंने उस टाइम पे, कि कोई है जो मेरे साथ ये सब करवा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट है कुछ, कोई ऐसी पावर मुझे मिल रही है जो कि मैं ये राउंड्स कर पा रही हूँ। और मतलब ये भगवान का जो दीपदान का जो कर पा रही हूँ। फूड को मैं नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वीकनेस की वजह से मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो बट फिर भी मैंने 2 time मील किया था, और मोस्टली ज्यादातर फ्रूट्स पे या सैलेड्स वगैरह ले लेती थी। बट ओवरऑल बहुत अच्छा गया मेरा, मैं इतना महत्व समझ नहीं पाई थी जो भीष्म पंचक का या इसका सुनते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए ये करना चाहिए, बट कभी किया नहीं था। बट इस बार सच में मैंने दिल खोल के मैंने भक्ति की है। हालांकि ये राउंड्स इतने ज्यादा नहीं है, अभी भी कम है मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं इससे भी ज्यादा पूरा करूँ, जैसे 1 and 1/2 तक का मेरा मन में था वो मैं करूँ बट नहीं कर पाई। और दूसरा, मेरे बहुत टाइम से ना मेरे मन में एक भैया होता था कि मैं भी, जैसे सब लोग बोले थे कि गौशाला में जा रहे हैं दान दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी फैमिली में ये सब अलाउड नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो बाकी सब खर्चे करते हैं, बट जब कोई ऐसी आती है ना दान देने के मामले, तो फिर वो नहीं इतना मतलब मानते हैं इन सब चीजों को। तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार सब लोग जाते हैं गौशाला में, अगर किसी का बर्थडे है तब जा रहे हैं, तो मैं कभी नहीं जा पाती, तो मैं कैसे करूं। तो एक दिन अचानक ही मुझे वो ऑनलाइन लिंक मिला, और कार्तिक मास में ही, तो मेरे साथ वो साक्षात भगवान के दर्शन थे, डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि वो लिंक मुझे ऑनलाइन मिल जाता है और मैं उसमें डोनेट करती हूँ, जितना भी मेरे अकाउंट में जितना मुझसे बना मैंने अपने अकाउंट से ही खुद ही डोनेट किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कृष्णा को थैंक यू बोला कि कृष्णा कि, और महसूस भी किया कि जब हम लोग भगवान से रिलेटेड कोई हमारे मन में डिजायर आती है ना, तो भगवान बहुत जल्दी उसको पूरा करवाते हैं। तो सच में बहुत खुशी महसूस हुई, और इसके लिए मैं थैंक यू तो आपको ही करूंगी भैया, और मेंटर्स को, पूरे गोलोक एक्सप्रेस की टीम को करूंगी कि जिनसे हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं। तो हरी हरी बोल भैया, मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल सारिका जी, बड़ा अच्छा लगा आपका जोश। पिछले 1 साल के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा जोश में वृद्धि हुई है आपकी, और हमेशा अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है। हम कहाँ थे 6 महीने साल पहले, तो वहां से आप ये पाओगे कि आप आगे बढ़ गए हो डिवोशन में, राइट। अब ऐसे ही चलते रहोगे तो अगले कार्तिक मास तक मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी डिवोटीज ने जो भी संकल्प लिए, अगर हम नित्य निरंतर चलते रहे तो अगली बार आपके लिए बड़े आराम से जो भी आपने अभी अचीव किया उससे बहुत ज्यादा आप बहुत आराम से भगवत कृपा से अचीव कर पाओगे। बहुत आनंद आया आपको भी सुन के, थैंक यू सो मच। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? और हरी हरी बोल सारिका जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, एंड बेस्ट विशेस टू यू। एक और सत्संग में हम आपकी भाभी जी को भी सुन रहे थे, बहुत अच्छी उनको भी आपने गाइडेंस दी है, वो भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और जितने संकल्प आपने लिए मोस्ट ऑफ देम आप उनको अच्छे से निभा पाए। और आपकी वो जो फीलिंग आपने शेयर की ना कि कोई एक पॉजिटिव सी वाइव आपने महसूस की अपने साथ, किसी को महसूस किया, एक्चुअली वो फीलिंग को वर्ड्स में हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बट इनफैक्ट जब हम हरि नाम को अपने बढ़ाते हैं ना और सिंसेरिटी लाते हैं डिवोशन में, तो हर कोई उस चीज को अनुभव कर सकता है। कृष्णा अपनी प्रेजेंस को अलग अलग तरह से शो करते हैं, एंड आई होप आप इसी तरह से डिवोशन में आगे बढ़ सको और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सको। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच सारिका जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और जैसे नितिन जी ने कहा, बिल्कुल आपने भाभी जी को बड़ा इंस्पायर किया, और अब सोनी कपूर जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। चलिए हम स्वर्ण जी के पास फिर से चलते हैं। हरी हरी बोल स्वर्ण जी, आप हैं हमारे संग? आई मेरी फोटो आएगी। हाँ हरी बोल निखिल जी, फैन बंद कर दे बेटा। जी, आवाज आ रही है आपकी? ठीक, आवाज आ रही है तो मेरी? हरी बोल बिल्कुल आ रही निखिल है। जी, हाँ अभी जी, आ रही मैंने है। दूसरे फोन से ज्वाइन किया है तो पिक्चर भी आ रही है। हाँ जी, आ रही है, बट आप कैमरा आपको स्टेबल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट भी ठीक हो गया होगा। हाँ मैंने ना दूसरे फोन से ज्वाइन किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर रूम में बैठी थी फिर नीचे आई। पता नहीं आज सुबह से, सुबह वाले फोन में सत्संग में भी नहीं ज्वाइन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी इंटरनेट की। तो मैं कौन से शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं और श्री हरि का, कि मेरा कार्तिक मास जो है
वो भगवान की कृपा से इतना अच्छा गुजरा। इससे पहले कभी भी मेरा कार्तिक मास ऐसा कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मालूम ही कुछ नहीं था। घर में बड़ों को हमेशा से सुबह स्नान और सुबह शाम दीपदान करते देखा था, तो वो देखा तो था लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कभी किसी ने नहीं बताई और ना ही मैंने कभी पार्टिसिपेट किया। क्योंकि समझ आती तो पार्टिसिपेट करती ना, मेरे शौक तो हैं, हमेशा से मुझे शौक रहता है, लेकिन वो समझ कुछ मैं आता ही नहीं था, कुछ किसी ने कभी समझाया नहीं था। तो गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन किया, अब तो हर बात की समझ आ जाती है भगवान की कृपा से। आप हर चीज़ हर वक्त पर बता देते हो, और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जिंदगी ही जैसे बदल गई है। बदल क्या गई है, संवर गई है। तो अब इस बार मन में ये, जब आपने निखिल जी और आपने बाकी भी सारे स्पिरिचुअल गाइड्स ने हमारे ने सारे इस इम्पोर्टेंस को, इस कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस को मैंने आप सबसे समझा, तो मन में मेरे बहुत सारे संकल्प जो हैं वो उभर कर आ रहे थे, और सबको पूरा करने का, सबका पालन करने की मेरी तीव्र इच्छा भी मन में, मेरे मन में भी पैदा हो गई थी। जैसे मैं, मतलब मैंने नींद को कम करने का संकल्प सोचा था, और कभी कभी सिर्फ एक मील लूंगी और कभी कभी सिर्फ फ्रूट्स पे ही मतलब टाइम गुजारूंगी, ये मन में मेरे संकल्प था। और क्योंकि सोने की ये बात है कि मैं हमेशा बहुत लेट सोती हूँ। लेट इसलिए कि मैं, मुझे अपना पढ़ना लिखना जो होता है ना, वो सब रात को खामोशी में पीसफुली करने की आदत है मुझे। जब मैं पढ़ती थी स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो भी मैं यही करती थी, रात को लेट से सोना और सुबह देर से जागना। अब वैसी हैबिट भी डेवलप हो गई हुई है और वैसे ही एलर्जीज भी हैं। तो लेकिन इस बार मैंने ये सोच लिया था, मैंने अपनी नींद पे कंट्रोल करना है, जो भी हो मैंने सुबह जागना ही जागना है। और इस बार पूरा महीना मैंने नियम पूर्वक सुबह मैं अर्ली जागी हूँ। पूरा कार्तिक मास में सुबह अर्ली उठकर स्नान किया, अपनी माला की, और ठीक है मुझे डिस्कम्फर्ट होता रहा, लेकिन मैंने पूरा महीना ये पूरा कर ही लिया। तो अंदर से मेरा मन जो है वो वृंदावन जाने का बहुत था, ये सच्ची बात है। लेकिन अभी मैंने बच्चों को या इनको कुछ बोला नहीं था, अभी मैं सोच ही रही थी कि कल कार्तिक मास शुरू होने वाला है, तो अगर भगवान जी मुझे बुला लें, अगर मैं किसी तरीके वहां चली जाऊं, क्योंकि गुड़गांव से तो पास ही है, तो अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वृंदावन चलते हैं। तो मेरी तो जैसे लॉटरी निकल गई, मैं इतनी खुश कि मैंने एक टाइम वेस्ट नहीं किया और फटाफट बच्चों को बोला पैकिंग करने के लिए, खुद भी की और हम परिवार समेत जो है वो वृंदावन के प्रभु जी के दर्शन के लिए वहां से निकल गए। और अपनी, मतलब भगवान जी ने मेरे को जैसे बुलाया, मैंने उस वक्त ये साफ महसूस किया कि मेरा मन इतना चाह रहा था लेकिन मैंने बोला नहीं था, लेकिन खुद भगवान जी ने मेरे को अपने पास बुलाया। तो फिर मैंने जाने में भी बड़ी देर नहीं लगाई, मैंने कहा कहीं मन बदल नहीं जाए, प्रोग्राम बदल नहीं जाए, और हम, मैं परिवार सहित अपने वृंदावन पहुंच गई। और ये इस मास, कार्तिक मास के पहले जो 10 दिन है, मेरा शुरू वहां से हुआ, लकीली वृंदावन में शुरू हुआ, और 10 दिन तो मैंने बड़े आराम से वहां गुजारे, खूब आनंद लिया। सच्ची बात यह है, हर रोज सुबह मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल जाती थी। 2 दिन तो लगातार बारिश हो रही थी, खूब सारी बारिश हो रही थी। इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न थे, नेचुरली वो भी बारिश कर रहे थे, वो भी इस महीने में अपना आनंद ले रहे थे। लेकिन मैं और मेरी बेटियां बहुएं, हम नहीं रुके, हमने लगातार बहती गिरती बारिश में भी हम, हमें रोक नहीं पाई है। मेरे हस्बैंड और बेटे भी कभी कभी होटल में रुक जाते थे, तो लेकिन हमें, हमने किसी को जगाना या किसी को साथ बुलाने की हम तीनों ने जरूरत ही नहीं समझी। हम ड्राइवर को लेते थे और कभी एक मंदिर कभी दूसरे मंदिर, वहां जाके प्रभु के चरणों में बैठ जाती थी हम। देखिए निखिल जी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी बहुओं को
मेरे साथ चलने के लिए या ये सारा कुछ करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जैसे खुद ही सीख लिया या भगवान जी ने उन पर कृपा की और उन्होंने साथ मेरे साथ ये महीना गुजारा है। 10 दिन तो वहाँ गुजारे, 10 दिन पूरे वो हर मंदिर, एक मंदिर दूसरे मंदिर, 2 बार हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा कर ली, एक बार वो फोर व्हीलर जो वहाँ मिलते हैं, और एक बार हमें उसने बताया कि जो पैदल वाली है वो बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट डे हम तीनों ने पैदल वाली परिक्रमा भी कर ली। अब मैंने इनको ये बोला, हालांकि भगवान जी की कृपा से मैं वहाँ एक फ्लैट देख के आई हूँ, इस मंडे को मेरा बेटा जा रहा है वहाँ, तो पेमेंट शेमेंट करने के लिए भगवान चाहा तो मैं खरीद लूंगी, तो वहाँ जाया करूँगी अक्सर, लेकिन फ्लैट होने के बावजूद कोई जा पाए, इतनी जिंदगी मिले, इतनी सेहत हो, जा सके या ना जा सके, वो तो कोई गारंटी किसी बात की नहीं होती ना। इसलिए जो मैं पहुंची हुई थी उसमें, उन दिनों में मैंने अपने मन की हर बात पूरी कर ली। मैंने जब ये सुना कि पैदल वाली परिक्रमा आसान भी होती है, छोटी भी होती है, तो मैंने अपनी बेटियों के साथ वो परिक्रमा भी कर ली। एक्चुअली तो वही करने का मजा है, ऑटो में वो करो ठीक है, वो भी दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन पर्वत इतने साफ, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, पेड़ों में आ गया, लेकिन जब हम पर्वत के साथ 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 चले तो पूरी तरह से देखा ना हमने और पूरी तरह से मजा लिया। तो मैं ये बार बार कहूंगी कि हिम्मत आपने दी, इम्पोर्टेंस आपने समझाई, रास्ता आपने दिखाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन कृपा उन उन गोविंद की है जिन्होंने मुझे बुलाया और हर जगह इतने अच्छे से दर्शन दिए कि जब मुझे पैदल चलने का पता चला तो मैंने वो भी चल के कर लिया। 2 बार राधा कुंड, श्याम कुंड में मेरे को स्नान भी मिल गया किस्मत से। इतना पानी था कि यहाँ सुना हुआ था कि पानी नहीं होता, वहाँ मुंह ही हाथ ही धो लेना चाहिए, वहाँ तो जितना मर्जी नहाओ वहाँ तो पानी की कमी नहीं है। और वो पास थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वो राधा जी की सखियों के भी कुंड है, मैंने उनके भी दर्शन करके वहाँ भी पूजा कर ली। और हर रोज शाम की आरती जो है ना वो हम इस्कॉन के मंदिर में करते थे, उस आरती में हम शामिल होते थे। वहाँ वो आपको तो मालूम ही है कि वहाँ वो सब लोग खूब नाचते हैं गाते हैं, आरती इतनी मजेदार होती है कि मन क्या आत्मा तक शांत हो जाती है। तो फिर मैंने हम प्रोग्राम बना लिया कि शाम की आरती हम वहाँ देखेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, 1.5-2 घंटे हम वहाँ गुजारते थे, और उसके बाद साथ ही प्रेम मंदिर है थोड़ी दूरी पर, फिर हम हर रोज वहाँ चले जाते थे। दीपदान जो है वो 10 दिन तो सुबह शाम मंदिरों में होता रहा, और उसके बाद सुबह शाम दीपदान हम तीनों लगातार करते रहे। सुबह तो मैंने रेगुलरिटी से हर रोज मंदिर जाके करते रहे, प्रभु के चरणों में दिया जलाना, और शाम को घर में तुलसी में दिया जलाते रहे। और जब वृंदावन में थे तो गौशाला भी जाते रहे हम, वो भी मन की मुराद पूरी हो गई। तो वृंदावन, ये प्रेम मंदिर में हर शाम गुजारने का तो अलग ही आनंद है, क्योंकि प्रेम मंदिर में कृष्णा जी की सारी जिंदगी की, सारी लाइफ की, इतनी सारी लीलाओं के ना कलरफुल दर्शन मिलते हैं। कहीं तो कृष्णा जी गायें चरा रहे हैं, कहीं गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाए खड़े हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, कहीं पर रासलीला होती दिखती है, कहीं पर राधा कृष्ण जी झूला झूलते दिखाई देते हैं। मेरे छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के ग्रैंड किड्स भी वो उन झांकियों को इतना एंजॉय करते थे, तो बड़े तो एंजॉय करेंगे क्योंकि वो ये थोड़ी है स्टिल खड़ी है, नहीं वो घूम रहे हैं ऐसे, गायों के पीछे ऐसे 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 वो चलते दिखाई देते हैं। कहीं पर वो उनके नाग के सिर पर खड़े हैं कृष्ण जी, उसका वध करने के लिए बैठते आ रहे हैं। क्या चीज नहीं कृष्ण जी की लाइफ की, मतलब क्या कुछ दिखने को नहीं मिलता, और इंसान कैसे नहीं एंजॉय करेगा, छोटे क्या बड़े क्या सब। और हमारा हर इस्कॉन मंदिर से निकल के हम 2 घंटे हर रोज प्रेम मंदिर में गुजारते थे। तो मैंने इन दिनों में बाहर खाने का मेरा मन नहीं होता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इन दिनों में बाहर कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर 10 दिन मैं वहाँ जो रही
होटल में, तो मैंने यही दूध और फ्रूट्स पर ही वो टाइम गुजारा। लेकिन सफिशिएंट होता था, किसी चीज़ की कोई ऐसे कोई मतलब कमजोरी या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था। बहुत अच्छा लगता था, दूध ले लिया, दही ले लिया, फ्रूट्स ले लिए, तो काम चलता रहा बड़े आराम से। खाने पीने की तरफ एक्चुअली ध्यान ही नहीं जाता था, इतना मज़ा आ रहा था। तो अब मैं अपनी चैंटिंग की बात करूं तो मैं सच्चाई से बिल्कुल सच बोलना चाहती हूँ कि जो हरि हरे कृष्णा का महामंत्र है ना, वो चैंटिंग करना ना अभी भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए ना मैंने सुबह और शाम अपनी चार चार माला महामंत्र की करती हूँ। सुबह उठते ही मैं चार माला महामंत्र की करती हूँ। उसके बाद नहा धो के मैं हरे कृष्णा हरे राम ये माला मैं अनगिनत करती हूँ। मैं गिनने की भी ज़रूरत नहीं समझती। मैंने आपको आगे भी बताया था, कई बार 2 घंटे, कभी 1.5 घंटा, क्योंकि नहा के उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा पूजा पाठ करके फिर मैं चैंटिंग करने बैठती हूँ, तो 1.5 घंटे 2 घंटे के पहले नहीं उठती हूँ। हाँ, सिर्फ उसमें ये बोलती हूँ, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ये सच्चाई अपने गुरु जी के सामने मतलब एक्सेप्ट करने को मन करता है। वरना ना तो आपने मुझे पूछा है और ना ही मुझे किसी ने बताने के लिए कोई मजबूर किया, लेकिन मेरा मन ये बार बार करता है कि जो ये सच्चाई है, अगर वो मुझे 16 एटलीस्ट 16 माला करने के लिए निखिल जी टारगेट देते हैं, तो मैं अगर 16 नहीं कर रही हूँ तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए उनके सामने कि मैं इस तरह से अपनी माला करती हूँ। तो फिर उसके बाद तो आगे हमारे भीष्म पंचक 5 दिन, तो वो मेरे बाई चांस ऑलमोस्ट पूरे फास्टिंग में ही गुजरे, क्योंकि मेरे सिस्टर के बेटे की शादी थी और हमें वो 8-10 दिन, क्योंकि सिस्टर मेरी बड़ी छोटी है, तो अनलकीली लास्ट ईयर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो अभी हमें मतलब पूरी तरह से 10 दिन जो हैं वहाँ गुजारने थे। तो अब मैं वहाँ होटल बाहर का खाना या केटरर्स का खाना या वो तो मैं खाना चाह नहीं रही थी इस मंथ में, तो मैंने चाहे कुछ भी हो जाता, अब नियम तो तोड़ने नहीं थे। तो सारी शादी में मैंने मतलब फास्टिंग पे ही मेरी गुजरी। हाँ, वही फ्रूट्स कभी खा लिए, कभी दूध पी लिया, कभी ऐसे करके मैंने मेरे वो जो 5 दिन थे वो भी मेरे ऐसे ही गुजर गए। तो मेरे अंदर से तो बड़ी तसल्ली थी कि मैंने ठीक गुजारे हैं, व्रत कर लिए हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता, सारे बिजी होते हैं गाने में इधर वो पार्टीज, आज ये वाली पार्टी है, आज दो दूसरी नॉन वेज है वो, तो सारे उधर बिजी होते थे, तो मैं अंदर बैठ के अपनी माला कर लेती थी आराम से, नाम जाप कर लेती थी। तो इसलिए मेरे को तो पूरी तसल्ली थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो शादी भी मैंने ऐसे अटेंड की। तो निखिल जी, आपकी मोटिवेशन की वजह से उत्साह और डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग रहा, और प्रभु श्री हरि की कृपा जो है वो भी बेशुमार ही प्राप्त हुई। प्रभु जी स्ट्रेंथ देते रहे, उन्होंने मेरे सारे संकल्प पूरे करवाए और मुझे निराश नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने जिस उत्साह से संकल्प लिए थे, अगर कोई भी मुझसे पूरा ना हो पाता तो मुझे शायद काफी निराशा होती। तो इन पूरे दिनों में, पूरे इस महीने में मैंने प्रभु को अपने अंग संग ही महसूस किया। और अब आगे के लिए मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरा ये पहला कार्तिक मास रहा मेरे लिए, तो ये पहला ही है, तो वैसा ही भगवान करें, मेरे पर कृपा करें और जिंदगी के जितने भी बाकी कार्तिक मास आए वो ऐसे ही गुजर जाए। तो बाकी ये कंटिन्यूटी की जो बात है, वो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं हमेशा हमेशा के लिए लंच नहीं लूँगी, सुबह ब्रेकफास्ट लूँगी, और रात को तो मैं वैसे एक सिंपल सब्जी और एक चपाती लेती हूँ, वही लूँगी। तो लंच मैंने छोड़ दिया हुआ है। तो बाहर का खाना मैंने डिसाइड कर लिया कि कम से कम करूँगी, क्योंकि बच्चे जाते तो हैं, कभी कभी मैं भी जाती हूँ, कभी घर पे मंगवाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि अगर मंगाया जाए तो सारे खाएं, जो नहीं खाए तो नहीं खाए। तो मैंने बाहर का खाना अब डिसाइड
डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत कम ही करूंगी, और अपनी तरफ से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी चैंटिंग जो है वो, जो वैसे तो चैंटिंग मेरी बहुत ज्यादा बहुत काफी होती है, लेकिन जो मेरी महामंत्र वाली मालाएं हैं वो एक एक करके भी मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बढ़ जाएं और सुबह 8 और शाम 8 तक पहुंच जाए, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसलिए प्रभु, यही प्रभु जी से प्रार्थना है कि प्रभु मेरे ये जो छोटे छोटे अब मैंने संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने में मेरी हेल्प करें, और आप सबकी, अपने फ्रेंड्स की, मेरी गोलोक फैमिली की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे ताकि मैं अपने संकल्पों में सक्सेसफुल हो सकूं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, आप सबका हमेशा मेरे पर बहुत एहसान है। आपने बहुत कुछ सिखाया है, मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुवन जी, बड़ा आनंद आया आपको देख के भी और सुन के, और आपने कार्तिक मास का पूरा लाभ उठा लिया है, और आप कह रहे हो कि पहली बार ही आपने कार्तिक मास इस तरह से किया, तो ये तो बहुत स्पेशल है कि पहली बार में ही आपकी सीधी ही लॉटरी लग गई। ऑलमोस्ट आठ दस दिन आप एज अ होल फैमिली धाम यात्रा, और धाम यात्रा में भी एज नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए डिवोटी गए आप। राधा कुंड में स्नान हो गया, श्याम कुंड में स्नान हो गया, दो दो बार गोवर्धन परिक्रमा हो गई, और आइडियली जिनकी भी हेल्थ अलाउ करे ना, परिक्रमा हमेशा होते तो पैदल ही करनी चाहिए। वो तो अब ऑफकोर्स कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो अच्छा है, कोई जैसे भी कर ले, बट समझ नहीं थी ना एक्चुअली, पहली बार कुछ पता नहीं होता, वो जो साथ वो ड्राइवर था उसने हमें समझाया ना, तो हमने 2 दिन के बाद हमने तीनों ने फिर से प्लान बना लिया कि चलो अब पैदल चलते हैं। तो ये उनकी बहुत कृपा थी, साक्षात कृपा थी उनकी, कि उन्होंने ऐसे मुझे बुलाया बढ़िया परिवार के जी, साथ। बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशल तो कृपा है, और आप अभी रियलाइज नहीं कर पाओगे, बट ये जो हुआ ना, इससे कितने करोड़ों जन्मों के पाप कट गए आपके, और सीधे ये से माला माल हो जाता है, बहुत डिवाइन अकाउंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अब ये लास्ट स्टेज पे आप आ गए हो, बट आई वुड रिकमेंड कि इस साल से अगले साल तक आपको माला बढ़ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह 6 कर लो, रात को 6 कर लो, दोपहर का टाइम पकड़ो ना, 4 माला दोपहर को कर लो, थोड़ा 3 बार पार्ट्स में करो, बड़े आराम से कर लोगे आप। पोटेंशियल है आपके अंदर, और धाम यात्रा इतने अच्छे से कर पाए आप, सारे संकल्प पूरे हो गए, डाइट पे इतना अच्छा कंट्रोल हो गया, और आपकी स्टेज पे ना वैसे भी 3 डाइट्स लेने की जरूरत नहीं होती, हम लोग सब जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा खाएंगे फिर ज्यादा सोएंगे फिर ज्यादा बिल्कुल, बीमार पड़ेंगे, तो हाँ कम करो, फिर खाने में ही ध्यान लगा रहता है सारा दिन, एक खाना खत्म होता है इंडियन थोड़ी देर कल्चर में में, दूसरा खासकर शुरू। वही मत कीजिएगा, ये जम्मू के कल्चर में, खासकर जम्मू में खाने हाँ जी, सच बात है, के आपने अलावा कुछ सच बात कहा। नहीं होती। चटनी, ये खाना, वो खाना, इतना ज्यादा है घुसा हुआ सबके दिमाग हाँ में, खाना मतलब हाँ गुस्सा हुआ है, सच बोला बहुत है आपने, ज्यादा है बिल्कुल सच पंजाब और बोला है। हमारे एरियाज के कल्चर ना, खाना 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 बहुत ज्यादा। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे इतना नहीं है खाने का चक्कर, यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस में, तो नहीं, बहुत अच्छा यहाँ है तो सुमन जी। देखिए US जाती हूँ मैं हर साल, तो वहाँ कोई ऐसे नहीं खाता, इतना लाइट ब्रेकफास्ट लेते हैं, दूध, थोड़ा सा दूध लिया, उसमें वो सीरियल डाले, हो गया ब्रेकफास्ट। हमारे यहाँ वो तो ऐसे कोने में हुआ ना, तो मेरी मेरी बेटी मुझे बोलती है मेरी माँ के घर में एक प्री ब्रेकफास्ट होता है फिर एक ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत सबको ज्यादा पहले मतलब सबको दूध देती हूँ कॉर्नफ्लेक्स के साथ, साथ में ड्राई फ्रूट साथ, वो प्री ब्रेकफास्ट होता है। तो सबको मेरा या कानून है, बेटियों को भी, आपने ब्रश कर लिया चलो सारे दूध पी लो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो मेरी बेटी वहां से, अब उसका उसकी हैबिट्स वहां के अकॉर्डिंग हो गई हुई है, तो कहती कि मम्मा आपके घर में तो एक प्री ब्रेकफास्ट होता है, एक फिर उसके बाद एक रेगुलर वाला ब्रेकफास्ट होता बिल्कुल भी कह रहे सुन जी, हम सब बहुत ज्यादा खा रहे हैं इंडिया में, इसलिए बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेस में खा रहे हैं हम हाँ सब। जी, हाँ थैंक जी, यू सो हाँ मच। जी, नितिन जी आप कुछ कहना चाहोगे सुन कहना जी? चाहोगे सुन जी? हरी हरी बोल स्वर्ण जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के भी, मानसिक रूप से वृंदावन जी के, बांके बिहारी जी के, गोवर्धन परिक्रमा और साथ में इस्कॉन की आरती के सारे दर्शन हमने यहाँ से कर लिए, राधा कुंड जी में डुबकियां भी लगा ली, आपका हरी बोल बहुत जी, बहुत हरी बोल धन्यवाद। जी, इनफैक्ट जब आपने वहां से भी बताया था ना, जब जिस फीलिंग के साथ आपने शेयर किया था ना कि मैं यहाँ तो बड़ी डुबकियां लगा रही हूँ और सबको मैं कह रही हूँ सबका भी आपको नाम, कहीं सबका नाम जाने लेती जाओ, थी, मैं सबको याद करती सबको याद थी। करती थी। ठीक थैंक यू है, सो जब मच, तुम बहुत आनंद आ रहा जब है, और मे लॉर्ड ऑलवेज ब्लेस यू। बहुत ही प्यारी फैमिली के साथ जाना, और सब इस तरह से अपने मन से कर रहे हैं, दिस इज ग्रेट। और जैसे निखिल जी कह रहे थे ना, नताशा जी, मोनिका जी और विजय जी को कह रहे थे कि भाई आपके घर में तो
हर मंदिर वाली बात हो गई, घर घर मंदिर वाली बात हो गई, तो सेम हियर, सेम साक्षात हियर, मंदिर बेस्ट बन विशेस। गया हुआ है मेरे घर। और गोलोक परिवार भी मेरा परिवार है, मैं तो गोलोक परिवार को सबसे सबसे दिल के करीब अपना परिवार मानती हूँ। थैंक यू सो मच स्वान जी, आप सभी गोलोकियंस ही हम सबके एक दिल के करीब हैं, और आप सबकी ब्लेसिंग से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। और जो भी डिवोटीज नहीं भी जाते ना, उनको निराश नहीं होना, बिकॉज ये डिवोशन का रास्ता इतना ब्यूटीफुल है, ये सत्संग इतने ब्यूटीफुल है, कि जो भी डिवोटी हमारी टीम में जा रहे हैं ना, उन सबकी ब्लेसिंग से आप सबकी भी धाम यात्रा हो रही है। तो कोई भी डिवोटी जो नहीं भी जा पाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी तो धाम यात्रा ही ना, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ भाई, तो क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी टीम में कोई ना कोई जा रहा है, और किसी ना किसी की ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर बछार हो रही है। तो टेंशन मत लीजिए, आप सभी ग्रो कर रहे हो डिवोशन में, जो जा पाए उसकी भी वारे न्यारे, और जो नहीं भी जा पाएगा ना, उसको भी घर बैठे देखो ब्लेसिंग्स मिलेगी, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कृपा इतनी बरस रही है हम सब। थैंक यू सुहन जी, समय बहुत ज्यादा हो गया, हमें अगले ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, बहुत आनंद आया, थैंक यू। चलिए इस एक ड्यूटी को सुनेंगे, फिर हम प्रेयर सेगमेंट में जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा समय का थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, 10-12 मिनट मैक्सिमम। ईशा जी, कैसा रहा आपका कार्तिक मास? हरी बोल। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण एवरीवन। बहुत ही वंडरफुल, अभी तक जितने भी डिवोटीज को सुना तो अब तो समझ नहीं आ रहा है कि बोलना कहाँ से है। लेकिन मैं ईशा सोनी चंबा से, और आज मैं आप सबके साथ अपने कार्तिक मास के जो मैंने कुछ एक प्रण लिए थे वो बताने जा रही हूँ। मैं 2018 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ रेणु जी के माध्यम से जुड़ी, जो कि यही चंबा से है। तो उससे पहले तक भी पता था कि कार्तिक मास होता है, बस ये कि यूजुअल वो नाम है कि मतलब देसी जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें इस तरीके का नाम होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो पंचमी कम आते थे उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, क्योंकि मदर को देखा था कि वो शादी करते हैं इन दिनों में माता रानी की, और इस तरीके से मतलब जब स्कूल से आते हैं तो ये सब चीजें जो है वो चढ़ी होती थी, तो हमें नहीं पता कि वो क्या क्या करते थे। फिर शादी हुई, फिर पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि कैसे कैसे माता जी के आगे रंगोली बनानी है ये सब कुछ, और व्रत रखना है, और बताया जाता था कि शादी और उनसे रिलेटेड कथाएं भी सुनी, बहुत ज्यादा एंजॉय करना, बहुत ज्यादा। पर उसका डीपर सेंस में क्या मीनिंग है और ये कितना इम्पोर्टेंट है महीना, ये हम लोगों को अभी पता चला, और खासकर इस साल तो थोड़ा ज्यादा ही पता चला। जैसे वो भैया हर रोज बोलते सेल 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 सेल, है ना, कि डबल करके देंगे भगवान जी। तो जैसे हम लेडीज का होता है ना कि यूजुअली भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, पर सेल कहीं पे लिखा हो तो ज्यादा ध्यान जाता है। नहीं भी जाना हो तो वो जो सेल वाले भैया ना बार बार बोलते एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, तो जबरदस्ती जरूरत भी ना हो फिर भी चले जाना। तो कुछ उसी तरीके का इस बार हुआ कि यार सेल है चलो नाम ले लेंगे, डबल हो जाएगा, वैसे भी ज्यादा माला नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बड़ा बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का पता चला। आज से 2 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पास एक किताब थी कार्तिक मास की कहानियां, तो वो मैं हर रोज जब भी हस्बैंड मेरे साथ होते थे तो मैं उनको बोलती थी कि आप पढ़ो मैं सुनूंगी, बस वो कहानियां सुनी थी। और मुझे लगता है कि उसका आशीर्वाद हुआ कि इस बार मतलब उसको फॉलो करना का अवसर मिला, बड़ा बहुत ज्यादा मजा आया। तो इस साल के मेरे संकल्प ये थे कि मैंने दीपदान करना है, वैसे तो हर रोज हम जोत जगाते हैं पर इस बार और ज्यादा इम्पोर्टेंट समझी। तो मैं क्या करती थी कि शाम को तुलसी माता के आगे तो शुरू से ही पेरेंट्स को जोत जगाते देखा है, हम भी जगा रहे थे, तो तुलसी माता के साथ साथ आंगन में और जगह भी जोत जगाना शुरू किया। तो मेरे वर्कर्स भी मुझसे पूछते थे कि भाभी आप ये क्यों कर रहे हो, दिवाली तो अभी लेट है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है और इस वक्त रोशनी फैलाना जो है वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं से मौका मिल जाता था भगवान जी के नाम का प्रचार करने का, तो बड़ा मजा आ रहा था। एकादशी व्रत मैं 2-3 सालों से रख रही हूँ, तो इस साल भी रखा और कार्तिक महीने की एकादशी को भी रखा, और इम्पोर्टेंस का भी मतलब पूरा दिन भगवान जी का स्मरण जो है वो मैं करती रही। और फिर भीष्म पंचक जो आए तो 5 दिन की और ज्यादा इम्पोर्टेंस जब समझी, तो ये था कि 5 दिनों भैया बोल रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज छोड़नी है, तो वो चाय के ऊपर गाड़ी अटक गई और लगा कि ठीक है अब चाय छोड़ देते हैं। तो 5 दिन जो है वो भगवान जी की कृपा से चाय मैं छोड़ पाई, बीच बीच में लगता था पी लूं पर फिर नहीं पिया। और उसके बाद आप यकीन करिए कि जैसे आप बोलते हो ना सेंस परसेप्शन, तो बिल्कुल 6ठे दिन लग रहा था कि पीनी है ही नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, मतलब इस तरीके से हो गया। साथ ही 5 दिन ये सोचा था कि लहसुन प्याज हम नहीं डालेंगे किसी भी मील में,
तो वो हम कर पाए इजीली, मैंने हस्बैंड से परमिशन ली कि क्योंकि वो ज्यादा फाउंड है इन सब चीजों के, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने 5 दिन जो है वो बिना लहसुन प्याज के खाना खाया, 5 दिन मैंने व्रत किया, एक टाइम मैं खाना खा रही थी और बाकी सारे टाइम जो है वो व्रत रखा, और बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। और चैंटिंग बॉक्स मेरे पास थे, पहले से हमने लिए थे, वो एक्चुअली लिए गए थे कि हम जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको गिफ्ट के तौर पे देने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 30 चैंटिंग बॉक्स जो है वो बच रहे थे, मतलब थे किनारे पे कहीं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस महीने में नाम का प्रचार किया जाए भगवान जी के। तो हमारे घर के साथ ही छोटा सा एरिया है, उसमें वो कम्युनिटी है जो भरमौर से आए हुए लोग हमारे चंबा में वर्कर्स हैं, जिनके पास अभी घर नहीं है, लेकिन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना झुग्गी झोपड़ी टाइप, इस तरीके से है वो पूरा की पूरा एरिया है। तो मुझे लगा कि चलो हम यहाँ पर करते हैं। पहले तो हस्बैंड बोलते कि ईशा ये लोग शराब पीते हैं, इन्होंने नहीं सुन रहे तेरा नाम नूम, तू जो इनको बांट रही है। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब पैग पीते पीते भागवत गीता पढ़ के इंसान ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो नहीं हो सकता है, चलो ट्राई करनी चाहिए, है ना। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम देंगे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं कर सकते उनको देंगे तो उनको और ज्यादा। और फिर वो मेरे वर्कर ने बोला नहीं भाभी आप बेकार काम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार देख कर क्या हो। तो अच्छा वो बांटे हमने भगवान जी की कृपा से 30 चैंटिंग बॉक्स। और भी फिर क्या हुआ कि जब शाम को मेरी वर्कर गई घर से तो उन्होंने देखा चारों तरफ से हरे कृष्णा महामंत्र की आवाज आ रही थी, और उसने बोला भाभी आप सच्ची बोल रहे थे कि वो लोग लगाएंगे, और उन्होंने लगाया और मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। और अभी भी कुछ एक लोग रहते हैं जो कि मांग रहे हैं, लेकिन अभी इस चैंटिंग बॉक्स है नहीं, तो जब भी नए आएंगे तो मैं जरूर उनको लूंगी और मतलब बांटूंगी। साथ ही मेरी डिजायर बहुत टाइम से थी, मतलब होता ना कि मेरा घर ऐसा हो आंगन हो, मुझे ये डिजायर थी कि आंगन हो उसमें तुलसी माता का थड़ा हो शुरू से ही। पर क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग मतलब शहर में, तो वहां पर बड़े कम एरिया होता है और घर डिवाइडेड होते हैं, कुछ हिस्सा किसी का कुछ हिस्सा किसी का। तो लेकिन फिर भी हम लोगों की तुलसी माता जो है वो हमने ना छत पर रखी हुई, लेंटर पर वहां पर रखा हुआ था जहां पर हम पहले रह रहे थे। तो लेकिन मैं हर वक्त जब भी हम लोगों का पंजाब आना जाना लगा रहता है, तो जब वहां पर साइड में रोड साइड में तुलसी माता के बड़े सुंदर सुंदर मैं पॉट्स खड़े रखती देखती थी, तो मैं हर बार प्लीज गाड़ी रोक दो, प्लीज गाड़ी रोक दो, एक ले लो छोटा सा ही ले लो। कभी गाड़ी नहीं रोकी आज दिन तक। इस बार क्या हुआ कि हम लोग गए थे कुछ घर का जरूरी सामान लेने, और वहां बड़ा प्यारा तुलसी माता का थड़ा था, मन में डिजायर तो थी कि यार लेना था, पर मुझे लगा कि इन्होंने मना कर देना है। पर वो खुद ही बोले कि ईशा लेना तुलसी माता का थड़ा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और मुझे तो लगा कि सच्ची सुन ली बात। और फिर हमने बहुत सुंदर सा तुलसी माता का थड़ा लिया, और जिस दिन तुलसी माता को वहां पर रखना था हम लोगों ने, जिस दिन माता की शादी थी उससे 2 दिन पहले हमने सजाई, और वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर जैसे कि मैं औरों की तुलसी माता के फेसबुक पे देखते, और बहुत ज्यादा बहुत बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बहुत ही प्यारा रूप उनको चढ़ा था। तो मतलब एक ही डिजायर पूरी हो गई थी। और मैंने ये सोचा था कि मैं हर रोज लक्ष्मी नारायण मंदिर जाऊंगी सुबह, पर ये काम मैं एक ही दिन कर पाई, बाकी दिन पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने अपनी वर्कर, वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो एक दिन तो आ गए बच्चों को देखने के लिए, तो मैं जाए आई थी, भगवान जी कृपा हुई। लेकिन उसके बाद 4 दिन जो है वो कोई अवेलेबल नहीं हुआ बच्चों के पास बैठने के लिए, तो फिर नहीं जा पाए, तो फिर यहीं से ही नमस्कार हुआ। और बाकी लोग जो शेयर कर रहे थे भगवान जी के दर्शन, वो देख करके बस फिर उसी में ही किया। दूसरी बात, मैंने सोचा था कि माला जाप करूंगी, तो फर्स्ट डे तो 34 माला जाप हुआ, फिर कभी कभी 20 हुआ, कभी कभी 16, कभी कभी 8, इस तरीके से चला रहा, इस तरीके से मतलब रेगुलर मतलब स्टेबल तरीके से, एक कंसिस्टेंटी में कंसिस्टेंसी पे मैं नहीं चल पाई, उस चीज का मुझे थोड़ा दुख है। और साथ ही ये कि अब मैं आपके साथ अपने डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो हर बार मैंने बहुत ज्यादा लोगों को सुना है कि हमने 56 भोग लगाया भगवान जी को, हमने 56 भोग लगाया, तो मुझे लगता था मैं कभी नहीं लगा पाऊंगी, पर ऐसे ही इस बार एकादशी पे मुझे लगा कि क्यों ना इस बार 56 भोग बनाऊं भगवान जी को। कोशिश की तो अपने हस्बैंड की हेल्प से, उन्होंने बाजार से सामान ला करके दिया, और एकादशी वाले दिन पूरा 56 भोग बनाया भगवान जी ने, बनवा दिया जैसे तैसे, पता नहीं शाम के 8 बज गए, मतलब स्लॉट्स में गया भगवान जी को भोग, कभी थोड़ा और ऐसे ऐसे करके को। पर मन में बड़ी बड़ी ज्यादा खुशी हुई कि अच्छा ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया,
हुआ तो खैर उन्हीं की कृपा से है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा परमानंद मिला। फिर मैं मंदिर जाने की बात आपको बताई कि मैं एक दिन मंदिर जाके आई। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस दिन हम लोगों ने जाना था तो हमारे उन वर्कर्स का कभी फोन स्विच ऑफ नहीं होता, और वो थोड़ी मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, तो बार बार फोन पे आया जा रहा था कि फोन इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ रीच है ना। मुझे लगा पता नहीं वो शायद उठना नहीं चाहते, उन्होंने बंद ही कर दिया। हम लोग बार बार ट्राई कर रहे थे, नहा लिए मैं भी मेरे हस्बैंड भी। अब फिर आई बात की अच्छा अब क्या करें, तो फिर मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं नहीं जाती हूँ, आप चले जाओ। अंदर से तो मन भर गया कि ओहो मैं जा नहीं सकती, अब जा नहीं सकती। तो वो बोलते अच्छा रहने दो, मैं भी नहीं जाता हूँ, तुम भी मत जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं आप तो जाओ कम से कम। और मैं रोना शुरू हो गई कि यार मेरी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है, भगवान आने भी नहीं दे रहे, यहीं पे है फिर भी नहीं आने दे रहे, और रोना शुरू हो गई मैं। और जैसे ही मैं रोई वैसे हमारे फोन पे मैसेज ब्लिंक हुआ कि फोन इज ऑन है ना, उनका फोन ऑन हो गया और उन्होंने एकदम से कॉल किया, और जो मेरी वर्कर है वो आ गई। और फिर मेरे हस्बैंड हंसने लगे कि नहीं भक्ति है तेरे में थोड़ी बहुत, और बड़ा अच्छा लगा कि भगवान जी ने सुन लिया। बोले एक आंसू टपकने की देर हुई और भगवान जी ने बुला लिया, तो वो बड़ा अच्छी वाली फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था सच्ची भगवान ने सुन लिया। और दूसरी बात कि दामोदर अष्टकम जब मैं सुन रही थी, इतने टाइम भैया ने उसको एक्सप्लेन किया, तो दिल कर रहा था कि मुझे भी गाना है एक बार, मुझे भी गाना है, पता नहीं मैं गा पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने रूपाली जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक मौका दे दो, मैंने दामोदर अष्टकम गाना है। तो वो मैंने राइट डाउन किया और मौका मिला, तो ये भी मेरे लिए बहुत बहुत डिवाइन था कि वो मैं दामोदर अष्टकम गा पाई और बहुत मजा आया। और जिस दिन ये 56 भोग लगाए थे उस दिन क्या हुआ कि मैंने जोत, जैसे मैं हर रोज सुबह रखती हूँ तुलसी माता के आगे, वैसे रखी थी। जब रात होगी मैं फिर से गई जोत लेने की, मैं उसमें अब घी डाल करके जोत जगा देती हूँ, तो देखा तो वो जोत स्टिल जग रही थी सुबह से लेकर रात तक। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पूरे आंगन में तो हवा चली रहती है सब कुछ, और वो जोत सुबह से लेकर शाम तक वो उसी तरीके से जग रही थी। और मतलब मुझे लगा ये तो साक्षात दर्शन ही हो गए, मतलब जब तक मेरा भोग बन रहा है भगवान जी ने वो ज्योत भी जगाए रखी, बहुत मजा आया। दूसरी बात, नितिन जी मेरे मेंटर रहे हैं, निखिल जी भी, दोनों साइमल्टेनियसली मैंने इनके साथ भागवत गीता की रीडिंग की है। पर ये जो मेरे में बोलने का एक मतलब डाला हुआ भैया ने कि हाँ जी तुम बोल सकते हो, बोलो, अपने रिव्यूज देना या बात करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, वो नितिन जी की वजह से ही है। तो मतलब वो एक किस्म से अंदर से ना गुरुजी, मतलब बिल्कुल मेरे को कोई भी बात करनी होती है तो मैं मन में भैया के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हूँ। तो मैं वैसे सोच रही थी कि ऐसे मतलब जब भी बात कर रही होती हूँ तो मैं भैया के साथ वैसे मन में कि भैया हद होगी यार, अब बड़े दिन हो गए मैं पढ़ाई नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, अब हो गया मेरा टाइम खत्म कि मेरे को कभी सेवा करने का मौका मिलेगी वो। अच्छा ये बात चली गई, और दोपहर को उस दिन रूपाली जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि आप किड सत्संग को लीड करोगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंटली लीड कर रहे हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। और आप यकीन मानिए मैं धरती से काफी ऊपर उठ गई थी, मुझे लगा कि मैं भैया के साथ बात करती हूँ भगवान जी सुन लेते, सच में गुरु हम लोगों को भगवान से कनेक्ट करने वाले होते हैं, ये मैंने उस दिन समझा। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया सत्संग लीड करके भी, और भगवान जी की साक्षात प्रेजेंस मैंने फील की कि जो हम अंतर मन में बात कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पर्सनली मिल करके बात करेंगे या सामने आएंगे भगवान जी, नहीं, वो अंतर मन में हम लोगों को सुन रहे होते हैं। तो और बस मैं कंटिन्यू ये करना चाहूंगी कि मेरी माला का जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से प्रॉपर बन जाए, ताकि मेरी कम्युनिकेशन भगवान जी के साथ और बेटर हो जाए, मुझे समझ में आए कि भगवान जी क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच ईशा जी, बहुत आनंद आया। इनफैक्ट जो मेरा संकल्प था कि डिवोटी जो आध्यात्मिक सुस्ती में आ गए उनकी सुस्ती को जगाया जाए, इससे कुंभकर्ण सो जाता है। तो एक उसमें आप भी डिवोटी हो, जो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा जोश बढ़ा है आपका, काफी जोश बढ़ गया है। पहले आप 20 किलोमीटर बाहर पे चल रहे थे, अब आई थिंक 70-80 पे पहुंच गए हो। तो दैट्स वेरी नाइस। पर मैंने आपकी रखी कि रुकना नहीं है, तो मैं सच्ची में कर तो नहीं रही थी ना एक्टिवली, पर रुकी भी नहीं थी, मैं चली रही, चाहे घसीटते घसीटते कछुए की तरह, पर चली हूँ साथ में, बस मैं यही यकीन दिला। तभी तो 20 किलोमीटर पर आर कहा ना मैंने, चलते रही थे, तभी मैं कहता रेंगू पर चलते रहो, बिकॉज अगर हम रुक गए ना फिर माया ऐसी चपेट में लेती है ना, इंसान भूल ही जाता है कि वो कहाँ था, ये करना भी चाहिए। थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा तो कोई बात नहीं,
एक स्टेज आती है, फिर उसका फेजेस आते हैं, और फिर एकदम झटके से कृपा जब उसके होती है, जैसे आपके ऊपर हुई और आप बहुत अच्छा से कर पा रहे हो, आप हर एक फ्रंट पे अच्छा कर रहे हो, आप बंगाल में प्रचार में आप और रेणु जी बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों के सत्संग में चले जाते हो, आई थिंक बंगाली सत्संग में भी आपको लीड करने का मौका मिल रहा है अब, है ना। सो बहुत अच्छा लगता है, और एज अ स्पिरिचुअल गाइड हमें बहुत अच्छा लगता है जब डिवोटीज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे आते हैं, बिकॉज अदरवाइज जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा और हम ऐसी मोह माया में फंसे हुए, ऐसी जीवन खत्म हो जाएगा हमारा। तो बहुत अच्छा लगा, आप और आगे निकल रहे हो, और जो आपने एक्सपीरियंसेस बताए, जो देखो लोग मना ही करते हैं, बट सच ये है कि भाई प्रभुपाद जी ने कहां प्रचार किया था, अमेरिकन को किया था, हिप्पी या ड्रगीज है, और ये जज कर लेना किसी को जस्ट बिकॉज कोई या शराब पीता है या कोई बुरी आदतों में, उसको जज नहीं करना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं आदतों से भाई, बट निकल नहीं पा रहे होते ना, उनका शक्ति नहीं, उनको रास्ता नहीं होती, वो एक दलदल में फंस गए होते हैं। अगर उनको हरि नाम का सहारा मिल जाए, और मंत्रा बॉक्स से आसान सहारा क्या हो सकता है, अब आज हर बैठे हम माला तो नहीं कर सकते उनके साथ, बट मंत्रा बॉक्स इज सच एन इजी थिंग, हम दे दें और भगवान के प्रेयर्स करते रहें, तो कितने लोगों का घरों का सुधार हो जाए। कितने लोग तो हम देखिए गोलोक एक्सप्रेस में ही हम देख चुके हैं, कितने लोगों का, हमारी अपनी छूट गई। आज जो लोगों को एक गुरु के रूप में देखा जाता, हमारी बुरी आते कैसे छूटी है, भगवान का नाम लेके छूटी है ना। तो वैसे ही हमें डिस्करेज करते हैं लोग कि उनको मत दो, उनको मत दो, बट जहां आपको अंदर से प्रेरणा आए वहां दो, वो आपको अंदर से जो प्रेरणा आ रही है वो भगवान कॉलिंग दे रहे हैं। और अमीरों को दो, रिश्तेदारों को दो या ना दो, बट गरीबों को जरूर दो, अपनी घर की हेल्पिंग स्टाफ को दो, अनाथ आश्रम में दो, वृद्धाश्रम में दो, मजदूरों को दो, वहां तो पक्का दो। तो बहुत अच्छा लगा, और डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी आपके बहुत प्यारे थे, ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच ईशा जी, एंड वी आर होपिंग कि दिसंबर एंड तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो भी बनने वाला है। हरी हरी बोल, बेस्ट विशेस। चलिए अब प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। अनीता जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज प्रेयर्स में सबसे पहले सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। सारिका कपूर जी ने अपने ब्रदर और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। विजय वाराणसी जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। चंद्रा रामवानी जी ने अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। कृष्णिका जी ने अपने फादर की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। मोनिका गुप्ता जी ने अपने डॉटर की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। नीतू शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। संचिता तनेजा जी ने अपने सन की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। सुमन बाला जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और एक में से छूट की रमनी महाजन जी ने अपने सन के बोर्ड के एग्जाम्स है, उसकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल निखिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू सो मच। तो एक माला जो आज नितिन जी के साथ आपने इनिशियली की, वो सारे गोलोक एक्सप्रेस परिवार में सभी की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, और जो डिवोटीज का आज नाम लिया गया, किसी का छूट भी गया हो, बिकॉज इस बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, जो डिवोटीज लिख भी रहे होते हैं ना, मैसेजिंग बहुत होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, कई बार छूट भी जाएगा, बट डजंट मैटर, किसी का अगर छूट भी जाए उसके लिए भी जो मैंने आज माला की है उसमें से चार माला आप सबके लिए, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एक माला दो माला जरूर करें। देखिए स्वार्थ को त्यागना है हमें, ऐसा नहीं कि जब आप माया डेडिकेट अपनी माला किसी और के लिए डेडिकेट कर दोगे तो आपको फायदा नहीं होगा भाई, आपको तो भगवान की ब्लेसिंग ही मिलनी है, जितना आप बांटोगे उतना ही मिलना है आपको, राइट। साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हमने गोलोकीय निशा जी को सुना, अब उनकी ब्यूटीफुल मदर के पास चलते हैं, हम कुल्लू राजपुरी जी के पास। राजपुरी जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी बोल। राजपुरी जी आप हैं साथ में? बोला हरी हरी बोल निखिल जी। अशोकपुरी बोल रहा हूँ, मिजीपुरी थोड़ा सा बिजी हम लोग ट्रैवलिंग में एक्चुअल में, तो हरी बोल, जय श्री कृष्णा एवरीवन। ठीक है, हम कोई ठीक। हरी हरी बोल एवरीवन। तो कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई, ऊर्जा मास की बहुत बहुत सबको बधाई। इससे पहले जितने भी डिवोटीज ने अपने रिव्यूज दिए हैं सचमुच सराहनीय, उनको भी कोटि कोटि वंदन। श्री हरि का बहुत बहुत आभार, गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और
आज जो मौका मिला इसके लिए भी परमपिता परमात्मा का मैं सबसे पहले धन्यवाद ही करूंगा कि आज हमें भी खास गुफा से निकाल कर आखिरकार ले ही आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो बात सीधे अब कार्तिक मास की तरफ ही चलते हैं। वैसे मैं 2018 में निखिल जी अपनी बेटी ईशापुरी जी के थ्रू ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा था। मैं, मेरी श्रीमती राजपुरी जी, तो उसके बाद हालांकि हम लोग रेगुलरली चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें, कोई शक नहीं। और एक साल के बाद हम लोग ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो में भी आ गए थे दोनों ही, और उस टाइम भी हमारे इस गोलोक एक्सप्रेस का कोई खास ही दिन था, 1000वां आई थिंक वीडियो बना था उस टाइम, वो भी मेरी ग्रैंड डॉटर थी प्रियांश का, ईशा जी की ही बेटी। और उस टाइम भी एकादशी वाला ही दिन था, पापंकुशा का एकादशी थी जिस दिन हम लोगों को ये प्रमोशन, डिवाइन प्रमोशन मिली थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम भी। अब रही इस कार्तिक मास की बात, तो सच कहें तो जो बात देख करके, चिंतन मनन करके जो की जाती है, यानी प्रैक्टिकली हाथों के द्वारा जो चीज निकलती है, तो उसका आनंद कुछ अलग ही आता है। तो उस प्रकार ही इस बार जो आपकी प्रेरणा, आपकी गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने ये कार्तिक मास का आनंद लिया, इस ऊर्जा मास का भरपूर भक्तिमय वातावरण घर में बना रहा, उसका आनंद बिल्कुल अलग ही था इससे पहले जो जो भी हम लोगों ने टाइम व्यतीत किया। नो डाउट हम लोग बचपन से ही अपने इस पूजा पाठ में संलिप्त थे, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बुजुर्ग लोग सब उनके साथ हम लोग कभी हेल्पर के तौर पर तो काम करते थे, हल्का फुल्का आरती गायन, छोटा मोटा भजन साथ में ताली से ही, तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो बीच में हम लोगों को सबको इन्वॉल्व करते थे। तो पिता जी की खास खासियत क्या थी, अब हमारे बीच में नहीं है, तो ज्यादा दिन तो बच्चों की ड्यूटी लगा देते थे, जाओ बेटा फूल लेकर आओ, चंदन घिसो, ये करो। उस टाइम हमें कुछ अजीब गरीब भी लगता था, पर अब याद आती है कि नहीं वो इसलिए हमें बीच में इन्वॉल्व रखते थे ताकि हम लोग इस टच में रहें, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ हम लोग गेन करें। सो व्यक्त करता हूँ, माता जी हमारे अभी 90 के करीब है, बल्कि 90 के अभी होने वाले हैं, तो उनका भी अभी तक हम लोगों को अभी भी तो बहुत हेल्प, उनकी आशीर्वाद मिलता है कि वो साथ में बैठते हैं उठते हैं। और आज कल मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्तिक मास में हमें मौका मिला कि अपने पूजनीय माता जी के साथ ये इस मास को बिताया हम लोगों ने, पंचम विषम तक और आज भी हम लोग थोड़ा सा ट्रेवलिंग में हैं, तो अभी घर पहुंचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर पीछे हैं अभी तक। तो खूब पूजा अर्चना हुई इस कार्तिक मास में, खूब सचमुच ही अपने आप में एनर्जी फील हुई अलग से हट करके, और पंचक जो थे ये विषम पंचक, उसमें भी अलग ही वातावरण था। जैसे कि हम लोग एज यूजल पूजा पाठ करते थे, पर जो जो इस बार हमें बता करके कुछ समझ में आई बात, तो वो उसका आनंद कुछ अलग ही था। तो इस दौरान मैं बताऊं अपना जो मेरा संकल्प रहा था कि जैसे एज यूजली मैं निखिल जी माला जो थी वो, सच कहूं तो पहले मैं माला का मैं भी बहुत ही विरोधी था, जो उसमें मैं मजाक में भी बोल देता था कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में, कई पंडित लोग भी थे मंदिर में जॉब के दौरान भी, कभी कॉलोनीज में, तो मैं बोलता था माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखमाई, ऐसे ऐसे करके उनका मजाक उड़ाते था। अदरवाइज सिंपली माफ करूंगा, माफी चाहूंगा, मजाक उड़ाता नहीं था, मजाक करता था। मजाक उड़ाना कभी हमारे जहन में कभी आया विनेश के लिए मैं फिर बार बार क्षमा चाहूंगा। तो मंदिर में मैं रेगुलर बल्कि सेवा करता था सवेरे अपने 12-15 साल, तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही NHPC कॉलोनी में हमारा स्कूल था ये केंद्रीय विद्यालय करके, तो उसमें मंदिर था बहुत अच्छी टाउनशिप था, लगभग 250-300 फैमिलीज हमारी वहाँ थी टोटल, तो बड़ा आनंद आता था और जोर जोर से खूब मजे लेते थे, राधे 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 गुनगुनाते रहते। पर यह कि माला की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे, पर उसके बाद जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा तब से मेरी माला में सचमुच ही बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंस भी देखी, माला में क्या पावर है, क्या इसमें छिपा है, तो वो मुझे अब पता चला। तो मतलब 16
प्लस माला का मैं मिनिमम 16 तो मैं रखता था अपने आप में कि 16 का मैंने बनाया ही था कि हाँ ये मैं करूँगा करूँगा, पर ऐसा है कि उस दौरान भी मैं यानी 64 प्लस 70 प्लस में रेगुलर करता था। अच्छा, अब ये कार्तिक मास की बात थी तो उसमें भी निखिल जी मैंने अपना वही 16 का रखा था मिनिमम, अदरवाइज 32 प्लस में जरूर करता था और इसके अलावा भी जो भी था वो करता रहता था। भीष्म पंचक के दौरान उसी टाइम मेरे ख्याल 5-7 दिन पहले ईशा जी की ही साथ हमारी मीटिंग हुई, कुछ एक हमारे उसमें पारिवारिक मेमोरी थे तो वो तो उसमें भी इन्होंने भी कमिटमेंट करवाई थी कि हाँ जी आप बोलिए अब कितनी बार। मैंने कहा जी मिनिमम 40 के मैं वो रखूंगा, टारगेट रखूंगा, पर ये प्लस में ही करने की कोशिश करूंगा। तो वो भी परमपिता परमात्मा की बहुत बहुत कृपा रही, आप गुरुजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, बेस्ट विशेष रही, सभी गोलोकियन का, सीनियर मेंटर जितने भी हैं मेरे और सभी का आशीर्वाद रहा कि मैं 60 प्लस में यानी 71-2 चलता रहा और 88 तक भी, यानी एवरेज मेरी 60 प्लस में ही माला चलती रही। बहुत ही आनंद आया और अब जब भी मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ यो तो ये हरिनाम चिंतन माला के जरिए मेरा रेगुलरली चलता रहता है, इसमें कभी कोई ब्रेक नहीं आती। और खास बात बताऊं तो रात को कभी नींद टूट जाए, खुल जाती है, तब भी हरिनाम चिंतन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी अब गाड़ी जो है ना ऑटो गियर पर चलती है जी। सो ये मेरे कुछ एक इसमें कार्तिक मास के थे संकल्प। पंचकों में पंचक के दौरान भी बहुत आनंददायक कार्यक्रम रहा, घर में पूजा अर्चना खूब चलती रही, माता जी हमारे बुजुर्ग मेरे श्रीमती जी श्रीमती राजपुरी जी, मेरी बहू विपनापुरी जी जो आजकल विजय जी अविनाश जी के ग्रुप के साथ जुड़ी हैं अदरवाइज तो हमारी फैमिली सारी की सारी वैसे गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के साथ तो जुड़ी है। ये अलग चीज है कि थोड़ा हो सकता है कि अंडरग्राउंड पर है नित्य निरंतर तो, और बीच बीच में ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी वीडियो सॉरी ऑडियो में जरूर अपनी तरफ से दे देता हूँ इसमें। और रिव्यूज के मामले में काफी टाइम से थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा भी, तो उसके लिए मैं अब आगे से संकल्प करूंगा कि नई रिव्यू जरूर जरूर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, जरूर जरूर करेंगे। तो पंचक विषम में मेरा फिर एक या दो मेरे लिए डिवाइन कोई एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि मैं सच कहूँ तो माला मैं जरूर करता आया काफी वक्त से, पर जो पंच तत्व मंत्र था मैं उसमें ना अड़ जाता था। तो रितु जी मेरी छोटी बेटी है रितु हिमाचल जो हमीरपुर से जुड़ती हैं सत्संग के साथ, तो उनका बेटा 3.5 वर्षीय है, तो वो जब मैंने देखा तो वो भोग लगाते हैं भगवान जी को और मंत्रोच्चारण करते हैं, तो पंच तत्व मंत्र जो है ना मैंने सच बताऊं तो उनसे सीखा क्लियरली। मतलब मैं फिर एक्चुअली विजन प्रॉब्लम की वजह से मैं सभी को कह रहा हूँ कि मैक्सिमम डिवोटी जानते हैं कि मेरी ये दिक्कत है, तो उसकी वजह से आई कांट रीड और राइट। तो बच्चे ने फिर मैंने उनको बोला, मैंने कह रहा बेटा मुझे सिखाओ भाई नाना जी, तो उन्होंने बोला अच्छा नाना जी बोलते रहो। तो उनके जरिए मैं कुछ ये बोलने में सक्षम हुआ, तो ये भी एक मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस था। अच्छा, बीच में धाम यात्रा तो मनन चिंतन होता रहा, जो जो भी बताते रहे डिवोटीज अपने आते जाते, तो वो जितने भी लोग इधर उधर गए भी धाम यात्रा में वो तो सचमुच मैंने मानसिक रूप से सारी सारी की कर ली, परिवार सहित कर ली जैसे सुन करके। और वैसे हालांकि वृंदावन में घूमा हूँ काफी, पर अब थोड़ा इसलिए दिक्कत हो जाती है कि मैं विजुअली प्रॉब्लम फील करता हूँ तो अवॉइड ही करता हूँ ज्यादा ज्यादा इस तरफ, ऐसे ऐसे कहीं भी जाना आना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पर मानसिक यात्रा बाकायदा होती है। तो फिर वो बेटे से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री विषादी गौर भक्त वृंदा, इस ये जो मैंने सीखा तो उन्हीं की छोटे बच्चे की ही आशीर्वाद से, तो उसके लिए भी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कोटि कोटि अपने गुरुजनों को नमन करूंगा जिनके आशीर्वाद से गाइडलाइन से मुझे यह प्राप्त हुआ। अच्छा, और दूसरा डिवाइन एक्सपीरियंस मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैं अक्सर कुल्लू में वृद्ध आश्रम है तो वहाँ अक्सर हम लोग जाते रहते हैं, तो बेटा मेरा अमनप्री बहू
तो ऐसे करके हम लोग वहाँ विजिट करते रहते हैं। जरूर हरिनाम वहाँ भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, चिंतन मनन वहाँ भी, बड़े बुजुर्ग बेचारे लगभग 80+ की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ परम पिता परमात्मा मौका दे देते हैं बीच बीच में कि चलो आप भाई वहाँ पहुँच जाओ, तो नज़दीक है, मनाली के पास ही है ये। अच्छा, तो एक इच्छा थी कि मैंने कहा गौ सेवा जरूर करूँगा, हालांकि घर में डेली गौ ग्रास जो है तो दिया जाता है गाय माता जी के लिए, डेली रखा जाता है विदाउट फेल, और ये जब से होश संभाला है तब से। पर अब स्पेशली बस बात वही है कि जरा जो समझ करके बात करने की, जो काम करने का मजा है वो अलग ही आता है। तो बड़ी इच्छा थी, मैंने कहा कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो मैं आजकल एक्चुअली बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ, संडोल मेरा गांव पड़ता है, तो वहाँ हम गांव में आए थे, तो वहाँ से कुदरती ही एक प्रोग्राम ऐसा बन गया पूर्णिमा के पिछले दिन, तो हमें कहीं जाना पड़ गया। वहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है, विजय जी अविनाश जी वाले ग्रुप से वो आजकल जुड़ते हैं। तो वहाँ सुबह जब हम वापिस घर आने लगे तो बच्चा हमें गाड़ी में ले चला, मैंने कह रहा बेटा कहीं गौ सदन है, गौ सदन है तो वहाँ हमें ले चलो आप। तो बच्चे ने बोले तो मास्टर जी ठीक है आपको ले चलते हैं हम, और नजदीक है। तो और कुदरती परम पिता परमात्मा का, गौ माता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि हम लोगों को उन्होंने 10 से 15 मिनट में वहां पहुंचा दिया, और जो भी हमसे बन पाया परम पिता परमात्मा ने जो सेवा करवाई उसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि परमात्मा का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपने गुरुजनों का जिनकी प्रेरणा से ये जो मोटिवेट होते हैं, जितने भी हमारे डिवोटीज हैं उनके रिव्यूज से जो मोटिवेशन मिलती है उसी का ये रिजल्ट है कि हम लोग कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। और निखिल जी, नितिन जी, सारे आपके परिवार को मैं नमन करता हूँ, परम पूजनीय मोहन जी को भी मेरा बार बार प्रणाम, जिनकी आशीर्वाद से हम लोग इस तरफ इस पथ पर चल रहे हैं। आगे भी मेरी यही इच्छा है, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हम नित्य निरंतर इस एक्सप्रेस से जुड़े रहेंगे और आखिर सांस तक इसका साथ ना छोड़ते हुए हरि नाम संकीर्तन करते रहेंगे, और यार हर श्वास में नाम जो है, नाम चिंतन निखिल जी होता रहता है। और अब जब भी है बस कभी भी, हालांकि अब ये ह्यूमन बीइंग हैं, सोसाइटी में रहते हैं तो सुख दुख अच्छा बुरा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो बस अब मुंह से जोर से बस आवाज गोविंद करके ही आती है, ऐसा उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। और साथ में ये बेटियों का भी आशीर्वाद है, तो थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल क्योंकि आपको बड़े दिन बाद सुना, बड़ा अच्छा लगा, और अच्छा लगा जान के कि आपकी डिवोशन बढ़ रही है और हरिनाम भी खूब सारा कर रहे हो आप। ऐसे ही आप चलते रहिए एज अ होल फैमिली, और बीच में वंस इन अ मंथ कभी बीच बीच में बात करते रहा करो तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए वेलकम। हरी बोल। हरी बोल। रक्षा जी है, बट अगर आप क्विक रखेंगे रक्षा जी तो हम सुन पाएंगे आपको, टाइम हो गया हुआ है हमारा, अगर आप 7-8 मिनट में कवर कर लोगे तो विल गिव यू चांस, है ना। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, और मेरे सारे मेंटर ईशा जी, रेणु सहदेव जी। तो मेरा नाम रक्षा वर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं सितंबर 2019 से ईशा सोनी जी के माध्यम से जुड़ी हूँ, तो एक रीडिंग मेरी इनके साथ ही हुई, फिर इसके बाद मैं रेणु सहदेव जी के ग्रुप में ऐड हो गई, तो फिर रेणु सहदेव जी मेरे मेंटर हैं। तो मैं सबसे पहले कार्तिक जो महात्म्य था इसके बारे में जो आपने बताया, मैं उसी के बात करती हूँ। तो मैंने जो संकल्प लिया था, जैसे जैसे आपने हमें गाइड किया तो उसके मुताबिक, सबसे पहले तो आपने हमें उठने के लिए कहा था, जल्दी उठने के लिए, तो मैं सबसे पहले इस महीने में मैं पूरा महीना जल्दी उठती रही, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती थी, सोने की बड़ी ज्यादा इच्छुक, सोना ज्यादा अच्छा लगता था मेरे को। लेकिन मैंने 2-2.5 साल से मैं इस ग्रुप से साथ चल रही हूँ, तो मैंने संकल्प लिया था कि नहीं, मैं उठूंगी, चाहे मैं 4 बजे उठूं चाहे 4:30 बजे, लेकिन मैं 4 बजे उठती रही, ये मेरा संकल्प पूरा हुआ। और दूसरा, फिर मैंने, आपने बताया कि कोई भी जो आपकी फेवरेट चीज है उसको छोड़ना है एक महीना के लिए, तो मैंने
केला खाना, केला मुझे बड़ा ही पसंद है, तो मैंने उसको छोड़ा, पर मैं वो एक बार मैंने गलती से खा लिए तो वो उसमें मैं असफल रही। पर जब मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो केला खाना छोड़ा था, तो फिर मैंने उसके बाद फिर नहीं खाया। और चाय भी बड़ी ज्यादा पसंद, बल्कि चाय के लिए तो मैं, जब मैं अनमैरिड थी तो मैं कहती थी कि मेरी शादी उसी घर में करना जहाँ सुबह उठकर ब्रश करने के बाद पहले चाय पीते हो। तो चाय की तो मैं इतनी ज्यादा ये लवर हूँ, यही बोल सकती हूँ मैं। तो चाय भी फिर मैंने धीरे धीरे सबसे सुनकर तो चाय भी मैंने थोड़ी कम की, 2-3 टाइम, तो उसमें भी थोड़े मैं सफल हो रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि मैं चाय धीरे धीरे मेरी कम ही हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, तो बड़ा ही भगवान की कृपा होगी। और फिर जो ये भीष्म पंचक के बारे में जो 5 दिन आपने बताए थे कि व्रत करना है, तो वो तो हमारे जैसे घर में कोई फंक्शन लगा हो उस तरह के व्यतीत हुए। तो 5 दिन के मैंने तो 6 दिन व्रत किया भैया जी। तो जिस दिन संडे था उस दिन यहाँ बोल रहे थे कि हमारे गांव में संडे से शुरू कर दिया था, तो फिर मैंने भी संडे से शुरू कर दिया। तो वो भी बड़ा ही अच्छा, जैसे लग रहा था कि घर में कोई फंक्शन लगा हो, कि मैरिज लगी है, इतना उत्साह, इतना हर्ष उल्लास। कार्तिक महीने का हमने सब जानते थे शुरू से ही, जैसे अशोक भैया जी, ये मेरे बड़े भैया जी हैं, और ईशा जी मेरी भतीजी हैं, तो हम शुरू से ही पूजा पाठ तो शुरू से ही करते थे। बल्कि घर में हमारे मदर, उनको ज्यादा काम होता था, गाय वगैरह पाल रखी होती थी, तो हम पूजा पाठ ज्यादा हमारे फादर ही किया करते थे। तो वो सारा काम उनके पास हमने पूरा काम करना है, बस उन्होंने पूजा करनी है। कई बार हम चिढ़ते थे कि पूजा भी हम ही कर लेते हैं, सारा काम तो हमसे करवाते हो आप। तो अभी पता चल रहा है कि वो क्यों हमारा हाथ लगवाते थे, क्यों काम करवाते थे भगवान के काम में। तो ये जो फिर लास्ट में जो आपने बताया था कि दीप दान के लिए, दीप दान भी हम पूरा ही साल सुबह शाम तुलसी माता को करते हैं, लेकिन ये जो 5 दिन थे ये बड़े ही महत्व रखते हैं। तो इसमें भी मैंने, यहाँ हमारे घर के पास ब्यास नदी पड़ती है, तो वहां जाकर हमने दीप दान किया, सभी लेडीज गई। फिर उसके बाद वहाँ ब्यास नदी के किनारे सुजानपुर टिहरा मैं कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर बोलते हैं उनको, तो वहां भी भगवान के चरणों में उनके माथा टेका, फिर भगवान के दर्शन किए, तो बड़ा ही मजा आया। फिर घर में आकर भी जब वैकुंठ चतुर्दशी थी, तो उस दिन हमने 365 जो जोत जगाई भगवान के, तुलसी माता के आगे, तो भी ऐसे जगमग लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुल्हन आने वाली है। तो बड़ा ही मजा आया भैया जी। तो मैं आज, और मुझे सबसे ज्यादा तो ये खुशी हो रही कि आज मैं आपके साथ पहली बार बात कर रही हूँ, तो मैं इतना ही कहूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, और सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जो कि मैं बोलती कम हूँ, रिव्यूज भी कम देती हूँ, बल्कि ईशा जी मुझे डांटती भी है कि आप क्यों नहीं बोलते, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबसे। और नित्य निरंतर सत्संग तो अटेंड करती हूँ, सत्संग नहीं छोड़ती, और मैं रेणु सहदेव जी के ग्रुप में हूँ, तो वो उनसे भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। रेणु जी भी हमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां, भगवान की कथाएं सुनाते हैं। तो हरी हरी बोल जी, मैं इतना ही बोलूंगी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। रक्षा जी बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया आपको सुन के, और ईशा जी का हम बहुत आभारी रहेंगे, उन्होंने इतने सारे डिवोटीज को मोटिवेट किया है, आपका सारा परिवार, यही तो हम चाहते हैं, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तो आपके परिवार के लिए तो ये सपना साकार हो गया है, सारे का सारा परिवार ही डिवोशन में इकट्ठे चल रहे हैं। और कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहो। रेणु जी डेफिनेटली बहुत अच्छे मेंटर हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, वहां पे बात करते रहिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, है ना। थैंक यू सो मच, बड़ा आनंद आया, सभी डिवोटीज को उनके बहुत आनंद आया, जिन डिवोटीज का मौका नहीं मिला, वी विल ट्राई टू कवर देम कल के सत्संग में। हरी हरी बोल। चलिए अब तृष्णिका जी के पास चलते हैं आज के भजन के लिए। हरी हरी बोल तृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण एवरीवन। मैं तृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा आप सबकी एक्सपीरियंस सुन के आनंद ही आनंद आ गया। मुझे ठाकुर जी ने कुछ एक्स्ट्रा मौका दे दिया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जब मॉर्निंग सत्संग में कार्तिक मास की एक्सपीरियंस बता रही थी, तो जब खत्म हो गया उसके बाद लगा रही मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो वो नहीं बोला, तो मुझे फिर से ठाकुर जी ने मौका दे दिया है। तो मैं माला, तो मैंने जो भी कमिटमेंट की थी
वो मैं कर पाई, लेकिन जो मैं नहीं कर पाई थी वो भीष्म पंचक में 64 माला की मैंने सोचा था कि मैं करूंगी, बट वो नहीं कर पाई। मैंने 40 राउंड्स किए। उसके बाद सब निखिल भैया ने हमें कहा था कि कोई भी एक पसंद की चीज छोड़नी है, तो मेरी तो मतलब चावल खाना मुझे बहुत पसंद है, तो कार्तिक मास में मैं सोच रही थी कि मैं इसको मुझे छोड़नी है। तो जब भीष्म पंचक के 5 दिन आए तो मैंने 5 दिन चावल नहीं खाए और एक टाइम मैंने खाना खाया। ये सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये मैं बहुत कोशिश करती थी चावल को छोड़ना, मतलब बहुत पसंद है मुझे, तो मैं वो कर पाई। और बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए मुझे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी सपनों में आए और मैंने उनका दर्शन किया, और वहां मुझे एक रोड दिखा जहां पर चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, और पीछे पीछे बहुत सारे भक्त थे जो कीर्तन करते करते जा रहे थे। तो क्या डिवाइन एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं हरिद्वार पे गई तो हम लोग एक सुरेश्वरी देवी की मंदिर गए थे, वो जंगल के बीच से एक रास्ता जाता था। तो जब हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे ना, सेम सेम वही वही रोड मैंने वहां पर देखा, और एकदम मेरे दिमाग में प्रभु आए, चैतन्य प्रभु आए। और जब मैंने बंद आंखों में चैतन्य प्रभु को देखा, बट वहां मुझे खुली आंखों में उनकी दर्शन हुए, और मैं बिल्कुल देख रही थी भगवान जी जा रहे हैं। और डिफरेंस इतना था कि मैं ऑटो में बैठी थी लेकिन सपनों में मैं उनके पीछे कीर्तन करते करते जा रही थी। तो फिर भी भक्तों के संग ही गए थे, तो हम ऑटो में बैठ के कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो खुली आंखों में भी प्रभु जी ने दर्शन दिए। ये सच में बहुत बहुत प्यारा एक डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। और शायद निखिल भैया, आप हमें इस कार्तिक मास के महत्व के बारे में नहीं बताया होता तो ये जो मजा है, ये जो फीलिंग्स है, वो हम कभी नहीं समझ पाते। पहली बार कार्तिक मास को इतना ब्यूटीफुली एंजॉय किया, और सभी डिवोटीज की एक्सपीरियंस सुन के भी मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बैठे तो है बहुत दूर दूर, लेकिन जब हम दीपदान करते थे ना सुबह मॉर्निंग सत्संग में, जब दामोदर अष्टकम होती थी, तो ऐसा लगता कि हम सब एक साथ बैठे हैं और दीपदान कर रहे हैं, तो वो सच में बड़ी ही आनंददायक। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। तो चलिए भजन की तरफ बढ़ते हैं। तो भजन, मैं वही भजन गाना चाहूंगी जो मैंने मॉर्निंग सत्संग में गाया था, मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जब मैंने मीनिंग्स जाना तो मेरी चाहत और बढ़ गई, और मैं यहाँ भी वही भजन गाना चाहूंगी, लेकिन लास्ट में मैं जरूर मीनिंग भी बताऊंगी जो कि मॉर्निंग सत्संग में मैंने नहीं कहा था क्योंकि मुझे पूरा नहीं आता था। तो रेणु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे ऑडियो करके पूरा मीनिंग हिंदी में बताया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी, पीर पराए जानी रे। वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी, पीर पराए जानी रे। पर दुखी उपकार करे तुए, पर दुखी उपकार
काच काच मन निश्चल राखी धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी पीर पराए जानी रे समदृष्टि तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेनी मात रे समदृष्टि तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेनी मात रे जीवा थकी असत्य ना बोले पर धन न बजाली हाथ रे वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी पीर पराए जानी रे मोह माया व्यापी नहीं जेनी दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे मोह माया व्यापी नहीं जेनी दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शो ताली लागी सकल तीर्थ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराए जानी रे बड़ लोभी ने कपट रहित ची बण लोभी ने कपट रहित ची काम क्रोध निवाराए धनी तेरी से यो तेनु दर्शन करता कुल को तेरो तेरा रे वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी पीर पराए जानी रे पर दुखी उपकार करे तुई पर दुखी उपकार करे तुई मन अभिमान नाई रे वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी पीर पराई जानी रे हरी हरी बोल हरी हरी बोल। तो ये जो भजन है ये गुजराती लैंग्वेज में है, प्रसिद्ध कवि वहां की नरसिंह मेहता जी ने इसको लिखा है। तो मैं इस भजन की मीनिंग को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के पीड़ा को समझता हो, दूसरों के दुखों पर जब वह उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे, जो सभी का सम्मान करे और किसी का निंदा ना करे, जो अपनी वाणी कर्म और मन को निश्चल रखे, उसकी माँ धरती माँ धन्य धन्य है, जो सबको समान दृष्टि से देखे, सांसारिक तृष्णा से मुक्त हो, पराई स्त्री को अपनी माँ की तरह ही समझे, जिसकी जीवा असत्य बोलने पर रुक जाए, जो दूसरों के धन को पाने की इच्छा ना करे, जो मोह माया में व्यक्त ना होके जिसके मन में दृढ़ वैराग्य हो, जो हर क्षण मन में राम नाम का जाप करे, उसके शरीर में सारे तीर्थ विद्यमान है, जिसने लोभ कपट काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से ही परिवार के 71 पीरिया तर जाती है, उनकी रक्षा होती है। हरी हरी बोल हरी हरी बोल। तो मैं निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी, रेणु जी, ईशा जी, रूपाली जी और शीतल दीदी और आप सब गोलोकियन की
और वर्ल्ड में जितने भी वैष्णव भक्त है, महात्मा है, सबके चरणों में इस भजन को डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कृष्णिका जी, बहुत आनंद आया। चेरी ऑन द केक, ब्यूटीफुल वॉइस में आपने बहुत ही प्यारा नरसिंह मेहता जी का भजन हमें सुनाया, वैष्णव का गुणगान हुआ उसमें। थैंक यू सो मच, सभी के विचार जान के बहुत आनंद आया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।